Hello guys, so now I am going to explain you anatomy of a dicot root as well as anatomy of a monocot root. अब हम देख रहे हैं anatomy of dicot root और anatomy of monocot root. तो anatomy क्या होती है basically? Anatomy हम internal structure देखते हैं. जैसे यहाँ पे है epidermis, फिर cortex, endodermis, pericycle, फिर stele, pith. ये सब जैसे structures अंदर की तरफ हम अंदर जाते हैं. जैसे plant है, प्लांट में रूट में काफी सारे लेयर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिक, कोर्टेक्स या स्टेले, उसके बाद पिथ. तो बाहर से लेके अंदर तक जैसे जैसे स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं इनको हम कहते हैं एनाटॉमी. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं डाइकोट रूट की एनाटॉमी और मोनोकोट रूट की एनाटॉमी. पहले मैं आपको डाइकोट रूट की एनाटॉमी समझाता हूँ, उसके बाद हम मोनोकोट रूट की एनाटॉमी देखेंगे. ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट वन एपिडर्मिस. यस, Epidermis also known as the epiblema. Epi outer, blema epi means above, blema means layer, blema so outer layer or upper layer. Epidermis is also known as the epiblema. It is outermost layer of a root. This epiblema or epidermis produce some protruding cells or produce some outgrowth. This outgrowth is a unicellular root hairs. Epidermis को ही हम epiblema भी कहते हैं. समझ लीजिए आप, epidermis को ही हम epiblema के नाम से भी पहचानते हैं. और ये epidermis में से कुछ outgrowth निकल सकता है. इस outgrowth को हम कहते हैं root hairs. Obviously ये root है तो इनमें से root hairs produce होंगे और ये water और mineral को absorption करने का काम करेंगे. Yes, clear हो गया. सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस और इसी को ही हम कहते हैं एपिब्लेमा और इसमें से क्या निकलते हैं, रूट हेयर्स निकलते हैं. आइए चलिए सेकंड देखते हैं, कॉर्टेक्स. बिलो द एपिडर्मिस देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ अ पैरेंकाइमेटल सेल्स, टुगेदर दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. एपिडर्मिस के नीचे काफी सारे ऐसे लेयर्स हैं जो पैरेंकाइमेटा सेल से बने हुए. अभी ये देखिए, ये पूरी की पूरी लेयर पैरेंकाइमा की है, ये भी पूरे पैरेंकाइमा की, ये भी पैरेंकाइमा की लेयर है. सो एपिडर्मिस के नीचे काफी सारे ऐसे लेयर्स हैं जो सभी के सभी लेयर किससे बने हुए हैं, पैरेंकाइमा से बने हुए. एक चीज आप याद रखिए कि एपिडर्मिस जब ओल्ड हो जाती है तभी डैमेज हो जाती है और इसकी डेथ हो जाती है. तो जैसे एपिडर्मिस की डेथ हो जाती है तो सबसे बाहर अब कौन सी लेयर आ जाती है, कॉर्टेक्स. और कॉर्टेक्स को उस वक्त हम क्या कहते हैं, एक्सोडर्मिस. क्या कहते हैं उसे, तब हम उसे कहते हैं कॉर्टेक्स को एक्सोडर्मिस. आर यू गेटिंग गाइस? यस, व्हेन एपिब्लेमा और एपिडर्मिस बेसिकली डाइज देन cortex becomes the outermost layer, then cortex is called as an exoderm. आप समझ लो कि ये वाला हमारा घर है, ठीक है, ये वाला हमारा घर है और ये घर की बाहर की बालकनी मतलब बाहर की बाउंड्री. तो ये मान लो ये बाहर की जो बाउंड्री है वो है एपिडर्मिस और ये वाला अंदर जो है वो है कॉर्टेक्स. और सपोज ये अगर टूट जाती है तो डायरेक्टली जो घर है हमारा वो सबसे पहली बाउंड्री हो जाएगी. मतलब अगर एपिडर्मिस अगर निकल जाता है तो कॉर्टेक्स जो है वो फर्स्ट बाउंड्री हो जाती है और उस वक्त हम कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं, एक्सोडर्मिस. क्या कहते हैं उसे, हम उसे कहते हैं एक्सोडर्मिस. आई बात समझ में क्लियरली? फिर से एक बार सुन लीजिए, बिलो द एपिडर्मिस देयर इज अ कॉर्टेक्स इज अवेलेबल एंड कॉर्टेक्स इज मेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ अ पैरेंकाइमेटल सेल्स. इट इज मेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ अ पैरेंकाइमेटल सेल. व्हेन एपिडर्मिस डाइज और व्हेन एपिब्लेमा डाइज, कॉर्टेक्स बेसिकली बिकम्स द फर्स्ट लेयर. And then this cortex is called as an exodermis. Remember, exodermis cortex can store starch as well as water. Cortex basically पैरेंकाइमा से बना हुआ है और पैरेंकाइमा का हमें पता है ये जनरली स्टोरेज में इन्वॉल्व है. तो ये क्या स्टोर करते हैं, ये फूड मटेरियल स्टार्च स्टोर करते हैं और प्लस ये वाटर को स्टोर करते हैं. तो इन दो चीजों को स्टोर करने में काफी फेमस है कौन, एपिडर्मिस का नीचे वाला हिस्सा मतलब कॉर्टेक्स, या तो जैसे हम कह सकते हैं एक्सोडर्मिस. देखिए एक्सोडर्मिस को हम कॉर्टेक्स नहीं कहते, ये शब्द हम तभी यूज करते हैं जब ऊपर की लेयर डैमेज हो जाती है, निकल जाती है उसी वक्त. आगे बढ़ते हैं, कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस. Inside the cortex, the inner layer is called as a endodermis. Inside the cortex, the inner layer is called as a endodermis. Now remember, endodermis, where it is present? Inside the cortex. Endodermis is present. मतलब कोर्टेक्स के अंदर की तरफ अगर देखें हमें तो हमें एंडोडर्मिस दिखता है. एंडोडर्मिस मेड बाय बैरल शेप सेल्स. ये देखिए आप, ये आपको सिर्फ यहीं पे दिखेंगे, बाकी कहीं पे भी नहीं दिखेंगे. एंडोडर्मिस इज लोकेटेड इनसाइड द कोर्टेक्स. Or innermost layer of a cortex have a endodermis, which have a barrel-shaped cells, They possess Casparian strip, which is composed of waxy substance called suberin. This is most important to be noticed, guys. आपको नीट में पूछा जा सकता है सुबेरिन कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है. सुबेरिन एक लिपिड जैसा स्टिकी मटेरियल होता है. सुबेरिन, ये फिर से सुन लीजिए. Inside the cortex there is a endodermis is located, and this endodermis have barrel shaped cells. Can you see this one? These ones are the barrel shells, barrel shaped cells. So these are the barrel shaped cells which have a Casparian strip, also known as a Casparian band. कभी कभी सिर्फ Casparian strip नाम दिया होता है बुक में, और उसी को ही हम कहते हैं Casparian bands. Casparian strip also known as Casparian band, and this is made by this is composed by the waxy material, sticky material, alkaloid material. This is called as a suberin. अब हम आगे बढ़ते हैं. Below the endodermis there is a pericycle is available. आप sequence देखो. सबसे पहले epidermis, जैसे हम epiplema कहते हैं. Second है cortex. Epidermis remove होने के बाद cortex exodermis बन जाता है. उसके बाद हमने देखा endodermis. Yes. And now we are going to discuss about pericycle. See, pericycle. क्या है पेरीसाइकल? बिलो द एंडोडर्मिस देयर इज अ सिंगल लेयर. बिलो द एंडोडर्मिस देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ पैरेंकाइमेटस टिश्यूज आर अवेलेबल, पैरेंकाइमेटस सेल्स आर अवेलेबल. दिस इज कॉल्ड पेरीसाइकल. एंडोडर्मिस के नीचे बिल्कुल एक सिंगल लेयर होती है, और वो पूरी की पूरी सिंगल लेयर पैरेंकाइमेटस टिश्यू मतलब पैरेंकाइमेटस सेल से बनी हुई है, और इनका मेन काम है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. क्लियर? आई बात समझ में? एपिप्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, देन पेरीसाइकल. पेरीसाइकल में एक सिंगल लेयर है जो पैरेंकाइमेटस सेल से बने हुए. अब हम आते हैं स्टेले की तरफ. यस, स्टेले क्या होती है? देखिए, ये है स्टेले में ये सब आते हैं. पिट भी स्टेले में आता है. अब ये देखिए, स्टेले हैव अ 2 to 4 नंबर ऑफ अ वॉस्कुलर बंडल. दिस वॉस्कुलर बंडल में भी आइदर 2 डायआर्च, दिस वॉस्कुलर बंडल में भी 4 टेट्रार्च. वॉस्कुलर बंडल 2 भी हो सकते हैं जिसे हम डायआर्च कंडीशन कहेंगे. वॉस्कुलर बंडल 4 भी हो सकते हैं जिसे हमें टेट्राज कंडीशन भी कह सकते हैं. क्लियर एवरीवन? नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इन दिस कंडीशन बेसिकली देयर इज अ एक्सर्च कंडीशन इज फाउंड. अभी एक्सर्च कंडीशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं. मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम के टाइम में भी एक्सप्लेन किया हुआ था. यस, इफ प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पिथ एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स पेरीफेरी देन दिस इज कॉल्ड एंडार्च. And if protoxylem is towards periphery and metaxylem is towards pith, it is called exarch. अब आप याद देखिए, ये metaxylem है. metaxylem की लाइन कहाँ जा रही है? देखिए, यहाँ से यहाँ आ रही है. मतलब metaxylem कहाँ है? pith की तरफ है, सेंटर की तरफ. और protoxylem कहाँ है? protoxylem पेरीफेरी की तरफ है, बाउंड्री की तरफ. तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्सार्च, एक्सार्च, यस, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स बाउंड्री, यस, एंड मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स boundary and metazailum towards pith. This is called as a exarch condition. Exarch condition क्यों? क्योंकि प्रोटोजाइलम बाउंड्री की तरफ है ना, तो exarch condition. अगर प्रोटोजाइलम सेंटर पे होता पीठ पे और मेटाजाइलम अगर बाउंड्री पे होते तो उसे हम कहते हैं endarch, क्योंकि प्रोटोजाइलम सेंटर पे आता है. सिचुएशन क्या होती है, अगर प्रोटोजाइलम सेंटर पे पिथ पे तो उसे हम कहते हैं एंडार्च, और अगर प्रोटोजाइलम बाउंड्री पे तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सार्च. क्लियर हो गया. अब देखिए पिथ सेंटर पे आता है, ये देखिए पिथ यहां से लाइन आई है और ऊपर तक आ गई है, ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को हम कहते हैं पिथ. ये देखिए पिथ इज द सेंट्रल मोस्ट पोर्शन ऑफ द रूट, डाइकोट रूट. पिथ इज द सेंट्रल मोस्ट पोर्शन ऑफ डाइकोट रूट एंड दिस पिथ is a small in size. Yes, this pith is small in size. अब मैं आपको एक चीज बताना भूल गया और मैंने एक्चुअली जानबूझ के नहीं बताई, मैंने सोचा पिथ के बाद समझाऊंगा तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा. See, between protoxylem and metaxylem there is a connective tissue is available, and this connective tissue between protoxylem and metaxylem or between xylem and phloem, it produces cambium ring. And this cambium ring undergoes secondary growth. So डाइकोट रूट जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, सेकेंडरी रूट दिखाते हैं. अब हम आते हैं मोनोकोट रूट की तरफ. ये वाला हिस्सा क्लियर हो गया आपके सामने. देखिए सबसे पहले हमने देखा epidermis, also known as epiglema, which produces root hair. Then we discuss about cortex, which becomes exodermis after death of an epidermis. Then we discuss about endodermis. And endodermis is made by barrel-shaped cells which have a casparian strip or casparian band, which have a waxy substance called suberin. उसके बाद हमने देखा stele. Stele में क्या-क्या पार्ट आते हैं? 2 to 4 number of a vascular bundle which have a cambium ring, so it can undergo secondary growth. And between xylem and phloem there is a vascular bundle is present, means cambium ring is present. Then stele में हमने ये दोनों देखे. फिर उसके बाद हमने देखा pith. Pith क्या होता है? पिथ ये सेंटर मोस्ट पोर्शन है और ये सेंटर मोस्ट पोर्शन काफी छोटा है, डाइकोट रूट में काफी छोटा है. अब हम आगे आते हैं मोनोकोट रूट की तरफ. तो देखिए मोनोकोट रूट की मेरे पास डायग्राम नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मोनोकोट रूट ये डाइकोट रूट के बिल्कुल ऐसे के तैसा ही है. मतलब जैसा डाइकोट रूट है सेम ये मोनोकोट रूट भी वैसे ही है, सिर्फ 3 चीजें डिफरेंस है. Monocot root structure and dicot root structure is a resemblance to each other. Both are identical to each other. However, there is a minor difference is present in monocot root. I'll tell you first. Vascular bundle in case of a monocot is a very large. Vascular bundle in case of monocot is a polyarch. यहाँ पे कैसा है? Either 2 xylem phloem or either 4, either diarch or tetrarch, but in case of monocot it is a polyarch, means more than 4. Yes, this is first difference. Second, pith in monocot is a large as it was small in the dicot. तो pith जो है वो monocot में काफी बड़ा है, dicot में छोटा था. Dicot के अंदर xylem phloem का जो नंबर 2 to 4 था, diarch और tetrarch, लेकिन इनके अंदर polyarch होता है, मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं xylem phloem. और तीसरी सबसे अहम, सबसे important part, secondary growth is absent in monocot. In case of dicot root, secondary growth is present. So this is about anatomy of dicot and monocot root. Hello guys, now I am going to explain you the transverse section of a dicot stem and monocot stem. So first I am going to explain you dicot stem with the help of sunflower. Yes, I am going to explain you the anatomy of a dicot stem of example of sunflower. आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं. Dicot stem, a tiers of dicot stem shows following layers. Like the first one is epidermis, then there is a cortex, then there is a stele. Yes, so but these 3 parts are further divided into sub parts. So epidermis, then cortex which have 3 parts, hypodermis, general cortex and endodermis. Then stele which have 3 parts, pericycle, vascular bundle and pith. So this 6 to 7 parts we are going to describe in detail. Shall we start? Let's begin. Start with the epidermis. Epidermis is the outermost layer of a dicot stem which produce multicellular outgrowth like multicellular hair like a outgrowth, but this is not hair, this is called trichome. Epidermis डाइकोट स्टेम में सबसे ऊपर वाली लेयर है. एपिडर्मिस डाइकोट स्टेम में सबसे ऊपर वाली लेयर है, यह सिंगल लेयर है और अपने अंदर से ये मल्टीसेल्यूलर हेयर के जैसे एक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसे हम हेयर नहीं कहते. जैसे रूट में रूट हेयर्स हैं, वैसे यहाँ पे हेयर नहीं होते, इसे हम कहते हैं ट्राइकोम. ट्राइकोम क्या है? ट्राइकोम इज अ मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ स्टेम कॉल्ड एपिडर्मिस. क्लियर एवरीवन? फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बता देता हूं सेकंड बार. एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट सिंगल लेयर ऑफ अ डाइकोट स्टेम व्हिच प्रोड्यूस मल्टीसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ ट्राइकोम. एपिडर्मिस डाइकोट स्टेम का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है जो मल्टीसेल्यूलर हेयर के जैसा एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं ट्राइकोम. आइए सेकंड पार्ट देखते हैं, कॉर्टेक्स. Cortex is further differentiated. Cortex is actually located below the epidermis, and this is further differentiated into three parts. Like the first one is the hypodermis, second one is the general cortex, and third one is the endodermis. First one hypodermis, second one general cortex, and third one endodermis. So यहाँ से वहाँ position बदल गई इसकी. Let's start. What is hypodermis? Hypodermis is located below the epidermis, and it is made by 3 to 5 layers of collen-chymata cells. And if it is made by collen-chymata cells, intracellular spaces is totally absent because collen-chymata tissues are made by cellulose and pectin, and therefore there is no intracellular spaces. हाइपोडर्मिस ये एपिडर्मिस के नीचे का हिस्सा है और ये 3 से 5 लेयर बनी हुई है. किससे? कोलेनकाइमा सेल से, कोलेनकाइमा टिश्यू से. और अगर यहाँ पे अगर कोलेनकाइमा टिश्यू है तो ऑब्वियसली इंट्रासेल्युलर स्पेसेस तो अवेलेबल होगी नहीं, बिकॉज इंट्रासेल्युलर स्पेसेस उन्हीं में अवेलेबल होती है जो पैरेन्काइमा होते हैं. लेकिन यहाँ पे तो कोलेनकाइमा जो कि सेल्यूलोज और पैक्टिन से बने, तो ऑब्वियसली इंट्रासेल्युलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी. Below the hypodermis there is a general cortex. General cortex is the layer which is located below hypodermis, and it is made by several layers of parenchyma cells. These parenchyma cells have a large amount of intracellular spaces because they are only made by cellulose. Therefore they have a large amount of intracellular spaces, and plus these parenchyma store too much amount of food material. हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स होता है और ये जनरल कॉर्टेक्स काफी सारे पैरेन्काइमा के लेयर से बना हुआ है. मतलब जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ है, लेकिन ये एक लेयर नहीं, काफी सारी लेयर है. हाइपोडर्मिस के बिल्कुल नीचे, और इनके अंदर हमें इंट्रासेल्युलर स्पेसेस दिख जाते हैं. क्यों इंट्रासेल्युलर स्पेसेस दिखते हैं? क्योंकि पैरेन्काइमा सिर्फ सेल्यूलोज से ही बना हुआ है और सेल्यूलोज से बने होने के कारण इनके अंदर गैप इंट्रासेल्युलर स्पेसेस हमें दिखते हैं. ये पैरेन्काइमा से बना हुआ, इसके कारण ये फूड मटेरियल को भी स्टोर कर सकता है. आगे बढ़ते हैं एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस इज लोकेटेड बिलो द जनरल कॉर्टेक्स. And it is made by barrel-shaped cells. Which are also known as a starch sheath. Barrel-shaped cells are also known as a starch sheath. Are you getting, guys? Barrel-shaped cells are also known as a starch sheath. General cortex के नीचे endodermis नाम का layers हैं, और ये endodermis layer barrel-shaped मतलब ऐसे सेल जिनका बैरल जैसा शेप होता है, बैरल शेप सेल से बने हुए, और इनको हम बेसिकली स्टार्च शीट भी कहते हैं क्योंकि ये स्टार्च को स्टोर करने का भी काम करते हैं. ठीक है, एपिडर्मिस हो गया सबसे आउटर लेयर और उसके बाद होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के तीन लेयर हैं, हाइपोडर्मिस जो कोलेनकाइमा से बना हुआ है, जनरल कॉर्टेक्स जो पैरेन्काइमा से बना हुआ है और एंडोडर्मिस जो बैरल शेप सेल से बना हुआ है। तो ये इतना हिस्सा आपके सामने क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टेले। यस, स्टेले इज द ऑर्गन which is further differentiated into three parts. First one pericycle, second one vascular bundle, third one pit. First one pericycle, second one vascular bundle, third one pit. Okay, first pericycle. अब ये देखिए pericycle क्या है। pericycle, pericycle is located below the endodermis. ये देखिए जो endodermis के layer है उनके नीचे pericycle आ जाता है। Pericycle is located below the endodermis. Pericycle is located below the endodermis and it is protecting to the vascular bundle. It is protecting to the vascular bundle. Just below the pericycle, vascular bundle start. Pericycle के नीचे डायरेक्टली vascular bundle start हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए vascular bundle in case of a dicot stem, vascular bundle in case of dicot stem is a conjoint कोलैटरल ओपन वॉस्कुलर बंडल। मैं आपको इनका डायग्राम बताता हूं कैसे देखते हैं। ये जनरली इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, यहां पे होता है जाइलम और यहां पे होता है फ्लोएम और इन दोनों के बीच में क्या अवेलेबल होता है, इन दोनों के बीच में कैम्बियम रिंग अवेलेबल होती है और कैम्बियम रिंग का मेन काम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रोड्यूस करना। सेकेंडरी ग्रोथ प्रोड्यूस करना। प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ तभी अवेलेबल होती है जब कैम्बियम रिंग हो। कैम्बियम रिंग होता है तो उस प्रकार के वॉस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, ओपन। इफ कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट देन सच वॉस्कुलर बंडल्स आर ओपन। एक और चीज याद रखिए यहाँ पे, जाइलम इज एंडार्च, xylem is endarch and phloem is exarch. अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, xylem endarch और phloem exarch, मतलब xylem is towards pith and phloem is away from the pith. Xylem is towards pith and phloem is away from the pith. Vascular bundle dicot stem में कौन सा है, conjoint collateral open type of vascular bundle। और ऐसे वॉस्कुलर बंडल, सॉरी कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन वॉस्कुलर बंडल, ऐसे जो वॉस्कुलर बंडल होते हैं, ऐसे वॉस्कुलर बंडल जिनके अंदर कैम्बियम रिंग पाई जाती है, ऐसे वॉस्कुलर बंडल को हम कहते हैं ओपन वॉस्कुलर बंडल। और ओपन वॉस्कुलर बंडल कौन सी प्रोसेस दिखाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ दिखाते हैं। तो डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ये फिक्स करके समझ लीजिए। जाइलम एंडार्च मतलब जाइलम पिथ के साइड में है और फ्लोएम एक्सार्च मतलब फ्लोएम बाउंड्री के तरफ है। फ्लोएम इज टुवर्ड्स बाउंड्री बिकॉज इट्स एक्सार्च एंड जाइलम इज टुवर्ड्स द पिथ बिकॉज इट्स एंडार्च। आफ्टर वॉस्कुलर बंडल देयर इज अ पिथ इज अवेलेबल। पिथ हैव अ लार्ज साइज पैरेन्काइमेटस सेल्स। पिथ हैव अ लार्ज साइज, आप यहां पे देखिए पैरेन्काइमा है, ठीक है, ऐसे ऐसे यहां पे लिखा हुआ है। पिथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ अ पिथ हैव अ लार्ज नंबर एज वेल एज लार्ज साइज ऑफ अ पैरेन्काइमेटस सेल्स है। And these parenchymatous cells are having intracellular spaces, and due to the intracellular spaces, just because they are only composed by the cellulose, and these parenchymatous cells can also store the food material. So हमने क्या क्या देखा? Dicot stem have a first epidermis, then cortex which have a hypodermis, general cortex, endodermis, and then stele which have a pericycle, vascular bundle and pith. क्या क्या? Epidermis, फिर कॉर्टेक्स में तीन लेयर, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर स्टेले में तीन लेयर, पेरिसाइकल, वॉस्कुलर बंडल और पिथ। ठीक है, ये हुआ हमारा डाइकोट स्टेम। तो गाइस, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ अ मोनोकोट स्टेम। जनरली मोनोकोट स्टेम के मेरे पास डायग्राम नहीं था तो आप ये देख लीजिए। डाइकोट और मोनोकोट स्टेम नियर अबाउट एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ कुछ डिफरेंसेस होते हैं मोनोकोट और डाइकोट में। तो ये डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस इज विदाउट ट्राइकोम। जैसे हमने देखा डाइकोट के अंदर एपिडर्मिस में ऊपर की मल्टीसेल्युलर आउटग्रोथ थी, जैसे हमने कहा था ट्राइकोम, तो इसके अंदर ट्राइकोम नहीं होते। इन केस ऑफ डाइकोट a single multicellular, single layer of epidermis cell was there, and which was producing outgrowth called as a trichome. So trichome is totally absent in monocot state. Second, hypodermis is a sclerent calculus. In case of a dicot, if you could remember, hypodermis was made by 3 to 5 layers of a colon chymera cells. But here hypodermis is made by sclerent chymera, so it's a sclerent chymera. Then vascular bundle is a numerous. In case of dicot stem के अंदर vascular bundle कुछ limited quantity में होते हैं, लेकिन यहाँ पे vascular bundle की quantity numerous है, काफी ज्यादा होती है. And then vascular bundle is conjoint, collateral and closed. In case of dicot, it was open because Kernel ring was present and it was showing secondary growth. But here vascular bundle is a conjoint, collateral and closed. Vascular bundle is closed just because cambium ring is absent. तो ये कैसे दिखते हैं? ये ऐसे दिखते हैं. Xylem, phloem. Yes, without cambium ring. So secondary growth absent. इनके अंदर secondary growth क्या है? Directly absent है, because इनके अंदर cambium ring available नहीं. Then xylem is a end arch. Xylem is towards the center. But where center? इनके अंदर तो pith तो absent है, तो directly xylem end arch internal side की तरफ, और pith directly इनके अंदर monocot में absent होता है. तो ये होता है dicot और monocot की anatomy. Hello dear all students, so right now I am going to tell you about anatomy of a dicot and anatomy of a monocot leaf. Anatomy का मतलब होता है internal structure, how epidermis, how dermis, how pericycle, you can say other parts like a cortex and then central one vascular bundle, and at their center there is a pith region. How these are arranged with each other, that we are going to discuss. This is called anatomy. ठीक है, तो हमें एनाटोमी डाइकोट लीफ की भी देखनी है और एनाटोमी मोनोकोट लीफ की भी देखनी है. पहले मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझा देता हूं. यस, डाइकोट लीफ आर डोर्सी वेंट्रल लीफ, मींस दे आर डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एंड मोनोकोट लीफ इज आइसोबायलैटरल लीफ, मींस बोथ द साइड आर सेम कैटेगरी, मींस बोथ द साइड्स लुक सेम. Dorsiventral leaf, ventral side face to the sunlight and dorsal side does not face to sunlight, and therefore ventral side is a dark green in color and dorsal side is a not too much dark green in color because it is not absorbing the sunlight that much. While as isobilateral leaf, both the side surface in isobilateral leaf means monocot leaf face to the sunlight and therefore they are equal each other. डोर्सीवेंट्रल लीफ वो वाले लीफ होते हैं जिनका डोर्सल और वेंट्रल साइड मतलब आगे का ऐसा और पीछे का ऐसा दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं. वेंट्रल साइड जो होता है वो सनलाइट के सामने होता है, इसके लिए वो काफी ज्यादा ग्रीन कलर होता है, और डोर्सल साइड जो होता है वो सनलाइट को एक्सपोज नहीं करता, इसके लिए वो डार्क होता है, मतलब इतना ग्रीन नहीं होता है. लेकिन जो आइसोबायलैटरल लीफ होते हैं मतलब मोनोकोट लीफ, आइसो मतलब सिमिलर, बायलैटरल मतलब दोनों साइड सेम दिखने वाले लीफ को हम कहते हैं आइसोबायलैटरल लीफ, और ये किस में पाए जाते हैं? मोनोकोट लीफ, मोनोकोट में. और डोर्सीवेंट्रल लीफ मतलब डोर्सल और वेंट्रल जिनका दोनों का अलग अलग होता है उनको हम कहते हैं डोर्सीवेंट्रल लीफ. तो क्लियर हो गई बात. डोर्सीवेंट्रल लीफ मतलब डाइकोट लीफ और आइसोबायलैटरल लीफ मतलब मोनोकोट लीफ. तो पहले मैं आपको डोर्सीवेंट्रल लीफ समझाता हूँ, मतलब एनाटोमी ऑफ डाइकोट लीफ. सो एनाटोमी ऑफ अ डाइकोट लीफ shows 3 layers. Anatomy of a dicot leaf shows 3 layers, and these 3 layers are, first one is the epidermis. First layer is the epidermis. Anatomy of dicot leaf shows 3 layers. First one is epidermis. Second one is mesophyll and third one vascular bundle. ठीक है, तो ये तीन चीज जनरली डाइकोट लीफ में देखने को मिलती है. अब मैं आपको सबसे पहले एपिडर्मिस समझाता हूं. एपिडर्मिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, लाइक अ अपर एपिडर्मिस एंड देन लोअर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड है. आप देख सकते हो यहाँ पे एक है ऊपर वाला एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और एक नीचे वाला है लोअर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस इज आल्सो कॉल्ड एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस इज आल्सो कॉल्ड अबैक्सियल एपिडर्मिस. इन दोनों के जो सेकंड नेम है वो समझ लो आप, अदरवाइज काफी कंफ्यूजन करोगे. In a dicot leaf there are three layer: epidermis, mesophyll, and vascular bundle. Epidermis, mesophyll, and vascular bundle. But there are two type of epidermis. One is upper epidermis. Second name of upper epidermis is the adaxial epidermis. And then lower epidermis. Second name of lower epidermis is called abaxial epidermis. ठीक है, मतलब लीफ के दो लेयर हैं, ऊपर का epidermis, अपर एपिडर्मिस जिसे हम एडैक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं, और बिल्कुल के नीचे का जिसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, आल्सो कॉल्ड एज अबैक्सियल एपिडर्मिस. क्लियर एवरीबॉडी? नाउ अपर एपिडर्मिस इज अ मच डार्क ग्रीन इन कलर एज कंपेयर टू द लोअर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस काफी ज्यादा ग्रीन कलर का होता है बिकॉज उसे सनलाइट को फेस करना है, फोटोसिंथेसिस करना है सबसे ज्यादा. और लोअर एपिडर्मिस इतना डार्क ग्रीन कलर का नहीं होता क्योंकि वो सनलाइट को फेस नहीं करता है. एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा बिल्कुल नहीं होते, मतलब न के बराबर होते हैं, समझ लो. माइट भी एक दो हो भी सकते हैं, लेकिन अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा बिल्कुल न के बराबर होते हैं. लेकिन लोअर एपिडर्मिस होता है उनमें काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, काफी ज्यादा क्वांटिटी में स्टोमेटा होते हैं. और स्टोमेटा का काम तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ये ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं. अपर एपिडर्मिस हैव नियर बाय नो स्टोमेटा और माइट बी इफ इट इज प्रेजेंट देन वन टू फ्यू इन नंबर. बट लोअर एपिडर्मिस हैव लॉट्स ऑफ स्टोमेटा बिकॉज स्टोमेटा there is no need to explain in much detail about stomata. Stomatas are the part which are responsible for transpiration. मैंने आपको epidermal tissue में stomata भी बताया हुआ था, ठीक है. So upper epidermis हो गया, lower epidermis हो गया. Upper epidermis को हमने adaxial और lower epidermis को हमने abaxial explain किया. अब ये देखिए, ये वाला epidermis हो गया, मतलब ये first part में आ गए. Second part हम देखते हैं mesophyll. Now what is mesophyll tissue? Between upper epidermis and lower epidermis there is a parenchymatous cells tissue is available and this is called mesophyll. This mesophyll is made by parenchyma cells. अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो मेसोफिल टिश्यू है वो पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ है. अब इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है पेलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरा होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. समझ रहे हो? अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या अवेलेबल है? उन दोनों के बीच में अवेलेबल होते हैं मेसोफिल टिश्यू. अब ये मेसोफिल किससे बने हुए हैं? ये मेसोफिल बने हुए हैं पैरेन्काइमा से. तो इनके दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं पेलिसेड मेसोफिल और दूसरे होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल. पेलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल. अब ये जो पेलिसेड मेसोफिल होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, और ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल होते हैं इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम होती है. अब ये जो पेलिसेड मेसोफिल होते हैं, ये पेलिसेड मतलब हार्ड सेल्स होते हैं, और ये जो स्पॉन्जी होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं. पेलिसेड ये टोटली फोटोसिंथेसिस में एंगेज होते हैं, लेकिन स्पॉन्जी ये थोड़े बहुत फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा मेसोफिल. फिर से एक बार समझ लीजिए, बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस देयर इज अ मेसोफिल टिश्यू इज अवेलेबल. दिस मेसोफिल टिश्यू इज मेड बाय द पैरेन्काइमा सेल्स This mesophyll tissue is made by parenchyma cells, and there are further two type of mesophyll tissue. One is a pellicid, one is a pellicid mesophyll tissue. Second one is a spongy mesophyll tissue. Pellicid mesophyll tissues are the hard one, and they are located below upper epidermis, means below adaxial epidermis. And spongy mesophyll or spongy parenchyma is located above the lower epidermis, or you can say above the abaxial epidermis. Clear everybody? Yes, I hope so. ये clear हो गया. देखो अब फिर से यहाँ देखिए, epidermis, upper epidermis, mesophyll tissue में सबसे ऊपर वाला pellicid, और उसके बाद spongy mesophyll, और उसके नीचे क्या lower epidermis. तो sequence क्या हो गई? Upper epidermis, pellicid, spongy mesophyll, and then lower epidermis. Upper epidermis यस पेलिसेड पेरेन्काइमा या तो पेलिसेड मेसोफिल, और फिर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा या तो स्पॉन्जी मेसोफिल, एंड नीचे उसके आ गया लोअर एपिडर्मिस. यस, क्लियर एवरीबॉडी? ये इतना कांसेप्ट क्लियर है हमारे सामने. हम अब मेसोफिल के बाद थर्ड वाला पोर्शन जो आ जाता है वो आता है वस्कुलर बंडल. क्लियर एवरीबॉडी? वस्कुलर बंडल की सीक्वेंस देखिए. मेसोफिल के नीचे अब क्या आ जाता है? वस्कुलर बंडल, और उसके नीचे क्या आएगा? लोअर एपिडर्मिस. तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे सीक्वेंस में. तो सीक्वेंस सबसे पहले आ जाती है अपर एपिडर्मिस, देन पेलिसेड पेरेन्काइमा, देन स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, देन वस्कुलर बंडल, एंड देन फाइनली लोअर एपिडर्मिस. ये सीक्वेंस हो जाती है. तो वस्कुलर बंडल कौन से होते हैं यहाँ पे? सो वस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द लीफ इज अ क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल. क्लोज टाइप मीन्स they does not show kind of growth. Yes, kind of secondary growth. ये closed type of vascular bundle होते हैं, और इनके vascular bundle के ऊपर एक bundle sheath cells भी होती है, एक layer भी होता है जिनको हम कहते हैं bundle sheath cells. This is about dicot leaf. अब मैं आपको monocot leaf के बारे में बताता हूँ. मेरे पास monocot leaf का diagram नहीं है, लेकिन आप easily समझ जाओगे. Monocot leaf is generally isobilateral leaf. What does it mean by isobilateral leaf? I already told you that the leaf whose both the surface is directly visible, directly facing to the sunlight, it is called isobilateral leaf. Isobilateral leaf वो वाली लीफ होती हैं जिनका दोनों के दोनों सरफेस सनलाइट से इक्वली फेस करता है, उनको हम कहते हैं आइसोबायलैटरल लीफ. और आइसोबायलैटरल लीफ ज्यादातर हमें मोनोकोट में पाई जाती है, जैसे जवार, बाजरा, यू कैन से व्हीट, यू कैन से राइस और मेज, शुगर कैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्लियर एवरीबॉडी? अब मोनोकोट देख लीजिए. मोनोकोट लीफ में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस ये दोनों सेपरेबल नहीं होते, सेपरेबल नहीं होते, मतलब एक दूसरे के एकदम क्लोज होते हैं. और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में जो गैप होता है वहां पे मेसोफिल टिश्यू अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेसोफिल टिश्यू स्पॉन्जी और पेलिसेड में डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिवाइडेड नहीं होते. समझ रहे आपको? इन यू कैन से मोनोकोट लीफ upper epidermis and lower epidermis is very closely connected to each other, so you can't totally separate them, you can't see this properly. और इन दोनों के बीच में जो मेसोफिल टिश्यू होते हैं वो मेसोफिल टिश्यू भी पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू, जैसे डाइकोट लीफ में ऐसे पेलिसेड और स्पॉन्जी में डिवाइड नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ चिपके होते, एक ही लेयर होता है. समझ लो उनके अंदर पेलिसेड या तो स्पॉन्जी ऐसे कोई प्रकार है ही नहीं, डायरेक्टली सिर्फ मेसोफिल टिश्यू है. सो अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल टिश्यू एंड देन लोअर एपिडर्मिस. क्लियर हो गया? इनके अंदर एक और चीज याद देखिए. इन केस ऑफ मोनोकोट लीफ, स्टोमेटा आर प्रेजेंट एट द बोथ द सरफेस. स्टोमेटा आर प्रेजेंट एट द बोथ द सरफेस. दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द डाइकोट लीफ, डोर्सोवेंट्रल लीफ and monocote leaf, isobilateral leaf. Guys, in case of monocote leaf like grasses, see, in case of monocote leaf adaxial epidermis. What does it mean? Adaxial epidermis means upper epidermis. Clear? In case of monocot leaf, adaxial epidermis, they undergo some modification and form large large empty colorless cells called बुलीफॉर्म सेल्स। ये वाला ध्यान दो, ये एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। देखिए, मोनोकॉट लीफ में अपर एपिडर्मिस में, एडैक्सियल एपिडर्मिस में कुछ चेंजेस होते हैं सेल्स में, और वो सेल्स कैसे बन जाते हैं? वो बन जाते हैं लार्ज, एम्प्टी, अंदर से पूरे खाली, कलरलेस, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है उनमें, कलरलेस सेल्स, और उनको हम कहते हैं बिलीफॉर्म सेल्स। अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इफ दे absorb water, they undergo, they becomes turgid, means endosmosis, and if they lose water then it is called flaccid, it is called flaccid। तो ये दोनों कंडीशन उसके अंदर अवेलेबल होती है। जैसे हम कहते हैं बिलीफॉर्म सेल्स, क्या कहते हैं उसे? उसे हम कहते हैं बिलीफॉर्म सेल्स। इफ दे एब्सॉर्ब वाटर दे अंडरगो टर्जिड, एंड इफ दे लूज द वाटर दे अंडरगो फ्लासिड। सो दिस इज एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ। Hello dear all students, so right now I am going to explain you secondary growth in stem। Guys, एक चीज याद रखिए हमेशा भी, नीट एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू आने की काफी गुंजाइश होती है, काफी चांसेस होते हैं, और ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ ये समझने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ये देखिए, ये हमारे सामने एक सॉइल का लेयर है, ठीक है, ये सॉइल का लेयर है, और ये हमारे सामने एक प्लांट है। अब प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम ड्यू टू अपिकल मेरिस्टेम, इट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। ये देखिए, इंक्रीज इन length of root and stem due to apical meristem, this is called primary growth, this one is called primary growth। अब टेक्निकली समझ लीजिए इस कंसेप्ट को। ये देखिए, ये है स्टेम पोर्शन ऊपर वाला हिस्सा, ये है रूट पोर्शन मतलब नीचे वाला हिस्सा। अब ऊपर के पोर्शन में और नीचे के पोर्शन में दोनों में अपिकल मेरिस्टेम होता है, दोनों के अंदर अपिकल मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम होता है अपिकल मेरिस्टेम, वो रूट में भी प्रोड्यूस होता है, स्टेम के ऊपर के हिस्से में भी प्रोड्यूस होता है। अभी जो अपिकल मेरिस्टेम होता है वो स्टेम की हाइट बढ़ाते जाता है, मतलब प्लांट की हाइट बढ़ा रहा है और रूट की भी हाइट बढ़ाते जाता है। तो इस वाली ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में क्यों दिखती है? यस, अब प्लांट की लेंथ तो हमने समझ ली, रूट की और स्टेम की, लेकिन अगर ये देखिए, ये है प्लांट की गर्थ। अगर प्लांट की गर्थ के अंदर इंक्रीमेंट होती है, प्लांट अगर ऐसे चौड़ाई में बढ़ता जाता है, प्लांट अगर ऐसे फैलते जाता है, तो उस वाली ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कहते हैं उसे? सेकेंडरी ग्रोथ। फिर से समझ लीजिए, primary growth is nothing but increase in the length of a root and increase in the length of a stem, this is called primary growth, and it is formed due to the apical meristem। But when the plant increase in the girth, then such kind of a growth is called secondary growth। Yes, प्लांट अगर रूट में और स्टेम में इनकी अगर ग्रोथ होती है, मतलब रूट में प्लांट नीचे जमीन में काफी गहरा अंदर जाते रहता है और स्टेम काफी ऊपर हाइट बढ़ती जाती, तो इस वाली ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और ये अपिकल मेरिस्टेम के कारण होती है। लेकिन अगर प्लांट की गर्थ बढ़ती है तो वो वाली ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। आई टेल यू, सेकेंडरी ग्रोथ इज जनरली कॉज्ड बाय द लेटरल मेरिस्टेम। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कौन करता है? तो सबसे पहला सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं लेटरल मेरिस्टेम, दूसरा इन्वॉल्व होते हैं कॉर्क कैम्बियम इन्वॉल्व होता है और दूसरा होता है इसके अंदर तीसरा इन्वॉल्व होते हैं वास्कुलर कैम्बियम। कौन इन्वॉल्व होते हैं? वास्कुलर कैम्बियम इन्वॉल्व होते हैं। अब ये देखो, ये तीनों के तीनों चीजें क्या है? ये तीनों के तीनों कैम्बियम के प्रकार हैं। अब आपने सुना होगा और सुना क्या मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, कैम्बियम रिंग क्या होती है? कैम्बियम रिंग इज अ रिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अब एक चीज आप हमेशा समझ लीजिए, काफी सारे स्टूडेंट, मतलब मैंने इतने अनगिनत स्टूडेंट देखे जिनको सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ही नहीं पता होता, कभी मतलब ये समझ ही नहीं पाते। मतलब प्लांट की अगर स्टेम और रूट की जो लेंथ है, इनकी जो लेंथ होती है, मतलब स्टेम ऊपर जाने वाला और रूट नीचे की तरफ जाने वाला, मतलब रूट और स्टेम की जो हाइट होती है वो जो इंक्रीज होती है वो अपिकल मेरिस्टेम के कारण होती है और उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट की गर्थ को इंक्रीज होना, गर्थ में बड़ा होना। तो प्लांट की जब गर्थ बढ़ती है तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन कॉज करता है? सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉज्ड बाय द लेटरल मेरिस्टेम, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द कॉर्कोकैम्बियम एंड इट इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द वास्कुलर कैम्बियम। सो दिस थ्री कैम्बियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। सो गाइस, ये जो तीनों कैम्बियम है, लेटरल, कॉर्क और वास्कुलर कैम्बियम, ये तीनों के तीनों कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। आइए चलिए मैं आपको पहले वास्कुलर कैम्बियम समझाता हूं, ठीक है? ये देखिए, वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है, हमारा पॉइंट है वास्कुलर कैम्बियम। तो वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है ये हम देखते हैं। सी द कैम्बियम विच इज प्रोड्यूस बिटवीन the cambium which is produced between xylem and phloem as a conducting tissue, it is called vascular cambium. ये देखिए, the cambium which is produced between xylem and phloem, it is called vascular cambium. And later on it produces cambium ring. And what is the use of, I want to say, what is the significance of cambium ring? Cambium ring is also known as an annular ring. It is also known as an annular rings. Why we called it as an annular ring? Because one cambium ring indicate one year age of a plant. So every 1 year one cambium ring is produced between the xylem and phloem. That is why it is also called as an annular ring, because if you wanted to count the age of a plant you have to count their annular ring, you have to count their cambium ring. If a plant have 100 cambium ring, it means plant has survived for 100 years. And how can you count the age of plant? By just counting the cambium ring, or you can say counting by annular ring. But it was the oldest technique. Nowadays by carbon dating technique also you can find out actual age of a plant. ठीक है, ये समझ लीजिए, जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में से बनता है उस कैम्बियम को हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है? और यही वास्कुलर कैम्बियम आगे जाके रिंग में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग का दूसरा नाम होता है एन्युलर रिंग। अब एन्युलर रिंग क्यों कहते हैं? एन्युअल का मतलब होता है एक साल, ठीक है? एन्युअल मतलब एक साल, वर्ष, ईयर। तो एक साल में एक रिंग आती है, मतलब एक साल में क्या आती है? एक साल में एक कैम्बियम रिंग आती है। एक कैम्बियम रिंग एक साल में आती है। अगर हमें प्लांट की एज काउंट करनी होगी तो हमें क्या काउंट करना होगा? उन प्लांट के अंदर जितने रिंग है उन रिंग को काउंट करना होगा। और अगर हम रिंग को काउंट कर लेते हैं तो बेसिकली हम क्या काउंट कर लेते हैं? प्लांट की एज को काउंट कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके माइंड में? ये क्लियर हो गया? सो इफ वी वांटेड टू काउंट द एज ऑफ प्लांट वी कैन कैलकुलेट द कैम्बियम रिंग। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी? पहले के जमाने में स्टेम को कट करके उनमें से रिंग्स काउंट करनी पड़ती थी। आपने कभी देखा होगा कि डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे काफी मतलब पेड़ ऐसे कटे हुए होते हैं और उनके अंदर ड्राइनेस आ गई होती है। अगर प्लांट कट जाते हैं तो पानी का कंडक्शन जो है उनमें बंद हो जाता है, फिर प्लांट ड्राई हो जाते हैं। और स्टेम में अगर हम देखें तो उनमें से रिंग्स फॉर्म होती हैं। वो रिंग क्या होती हैं? उन रिंग को हम कहते हैं कैम्बियम रिंग या तो एन्युलर रिंग। तो यही रिंग ए प्लांट की एज को कैलकुलेट करती है। नाउ आई टेल यू कैम्बियम प्रोड्यूस बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। इट इज कॉल्ड इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो भी चीज आपको पढ़ा रहा हूं वो कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा रहा हूं। तो ये देखिए कैम्बियम व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड vascular cambium, which later on forms a cambium ring. लेकिन cambium produced between the primary xylem and primary phloem is called intrafascicular cambium. तो primary xylem और primary phloem मतलब सबसे पहले वाले जो xylem और सबसे पहले वाले जो phloem बनते हैं उनमें से जो cambium ring बनती है उस cambium ring को हम कहते हैं intrafascicular cambium। और यही आगे जाके secondary growth के लिए responsible होगी। So guys, this is simply called it as a formation of cambium ring। ठीक है, ये cambium ring ऐसे फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली cambium ring की एक्टिविटी कैसी होती है। सो एक्टिविटी ऑफ cambium ring। Now, before explaining you activity of cambium ring, I would like to show you one simple thing. See, this is the anatomy, and at the center there is a pith. And this is you can say epidermis or you can say periphery. What is periphery? Periphery means boundary, and pith means center. It is very important, because when we are studying about the activity of cambium ring we have to discuss on the way like pith is at the center and periphery it means boundary. Clear everyone? Let's start. See, अब मैं सभी चीजें लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने के लिए मेरे पास इतनी जगह नहीं, मुझे एक्सप्लेन करना है आपको ज्यादा, और जो जो चीजें काम की मैं सिर्फ वही लिखूंगा। ठीक है, अब सुनिए। कैम्बियम विच एड द न्यू सेल्स, द कैम्बियम। अब कैम्बियम ही नई सेल्स ऐड करेंगे ना, एक्चुअली सेल्स कौन ऐड करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नए सेल्स बनाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बनाते हैं? कैम्बियम लेयर भी बनाते हैं, और कैम्बियम लेयर बनेगी तभी तो जाके सेकेंडरी ग्रोथ कर पाएंगे ना। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमने प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब हमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में डिस्कस करना है। ये देखिए कैम्बियम व्हिच एड द न्यू सेल्स टुवर्ड्स द पेरीफेरी, cambium which aid the new cells towards the periphery. After maturity it becomes a secondary xylem. Primary phloem primary xylem we already discussed. Now we are going to discuss about secondary xylem. So when cambium aid the new cells towards the pith it is called secondary xylem, and when cambium aid more cells towards the periphery then this becomes secondary phloem. Are you guys getting? मैं आपको NCERT कंटेंट में जो ज्यादा मटेरियल दिया हुआ है उसमें से सिंपल मटेरियल कलेक्ट करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो? NCERT का अगर आप पूरा रट्टा मारते जाओगे या तो पूरी बुक पढ़ने जाओगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, MBBS में अगर नंबर चाहिए आपको, अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको मटेरियल में से सिंपल मटेरियल जो इंपॉर्टेंट मटेरियल वही कलेक्ट करना है। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही कर सकते हो। तो ये देखिए एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग में क्या होता है? कैम्बियम रिंग बिकम्स द एक्टिव पार्ट व्हेन इट एड द न्यू सेल्स टुवर्ड्स द पिथ इट फॉर्म्स अ सेकेंडरी जाइलम, एंड व्हेन इट एड द मोर सेल टुवर्ड्स द पेरीफेरी इट फॉर्म्स अ सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, कैम्बियम ये एक्टिव सेल्स होते हैं, एक्टिव लेयर्स होते हैं। जब ये सेल्स सेंटर पे पित्त के आसपास में डालते हैं तो वहां से क्या प्रोड्यूस होते हैं, सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये कैम्बियम पेरीफेरी पे मतलब बाउंड्री पे सेल्स डालते हैं तब वहां पे क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होता है। अब आप एक चीज याद रखिए, कैम्बियम इज अ मोर एक्टिव टुवर्ड्स द पित्त एंड स्लाइटली लेस एक्टिव टुवर्ड्स द boundary or periphery, and therefore there are so many chances of growth of a secondary xylem as compared to the secondary phloem। कैम्बियम सबसे ज्यादा पित्त लेवल पे सेंटर पे काफी एक्टिव होता है और सेंटर पे एक्टिव होने के कारण क्या होगा, सेंटर पे एक्टिव होने के कारण क्या होगा, सेकेंडरी xylem ज्यादा डेवलप होंगे और कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा। सेकेंडरी फ्लोएम थोड़े स्लोली ग्रो होंगे और सेकेंडरी xylem काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो ये है बेसिकली एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम एंड दिस इज अबाउट वास्कुलर कैम्बियम। सो गाइस, नाउ आई टेल यू अबाउट स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। ठीक है, अब ये वाली कंसेप्ट देख लीजिए। देखिए अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें तो टेम्परेट रीजन में हर बार सेम कंडीशन नहीं होती, उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स और फिजियोलॉजिकल फैक्टर काफी चेंजेस हो सकते हैं। हर टाइम बारिश नहीं होगी, हर टाइम धूप नहीं होगी, मीन्स एवरी टाइम देयर विल बी नो समर, एवरी टाइम देयर विल बी नो विंटर, एवरी टाइम देयर विल बी नो यू कैन से रेनी सीजन। दिस सीजन गोज चेंजेस, यस दिस सीजन गोज चेंजेस। आई टेल यू इन स्प्रिंग कंडीशन, in spring season, cambium produces xylem element, in spring season cambium more active and produces xylem element which have wider cavity. It is called spring wood, also called early wood। अब ये चीज समझ लीजिए, स्प्रिंग वुड का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब कैम्बियम की एक्टिविटी में उनकी सीजन के ऊपर, उस प्लांट की सीजन के ऊपर होती है। मतलब प्लांट एक टेम्परेट रीजन में है, ठीक है, और टेम्परेट रीजन वाला प्लांट जब स्प्रिंग सीजन में आएगा तब कैम्बियम काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइलरी एलिमेंट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जाइलरी फाइबर प्रोड्यूस करेंगे। और जाइलरी फाइबर या तो जाइलरी एलिमेंट की जो कैविटी होती है वो काफी वाइडर कैविटी होती है, काफी बड़ी कैविटी होती है, और ऐसे वाले वुड को हम कहते हैं स्प्रिंग वुड या तो हम उसे कहते हैं अर्ली वुड। अब इसका उल्टा क्या होता है, ऑटम वुड में, यस, जब ऑटम सीजन आती है, उस वक्त जो जाइलम होते हैं वो काफी लेस एक्टिव रहते हैं। देखिए स्प्रिंग सीजन में काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं लेकिन ऑटम सीजन में ये लेस एक्टिव रहते हैं, और लेस एक्टिव के कारण जो जाइलरी एलिमेंट या तो जाइलरी फाइबर होते हैं वो काफी नैरो कैविटी वाले होते हैं, और उस वुड को हम कहते हैं ऑटम वुड, या तो उसका दूसरा नाम है लेट वुड। अब आप समझ गए होगी कि लेट वुड और अर्ली वुड क्यों कहा है। देखिए स्प्रिंग सीजन में जाइलम काफी एक्टिव है तो वो जल्दी से जल्दी वुड फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग वुड। और अर्ली वुड जल्दी प्रोड्यूस हुआ इसके लिए अर्ली वुड, स्प्रिंग वुड क्योंकि स्प्रिंग सीजन में है। और यही सिचुएशन जब ऑटम सीजन आ जाती है तो ऑटम सीजन में जाइलम है ना काफी लेस एक्टिव होते हैं, और लेस एक्टिव होने के कारण उनका वुड फॉर्मेशन काफी स्लोली होता है, तो उसे हम कहते हैं लेट वुड, ऑल्सो नोन एज ऑटम वुड। सो दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द सीजन। आई होप सो यू आर एबल टू सी इन कैमरा, यस गाइस, यू आर एबल टू सी इन कैमरा। So right now I'll tell you what is meant by hardwood and sapwood. शायद ही आपने कभी सुना होगा hardwood और sapwood के बारे में. So I'll just use this space for showing the hardwood and sapwood. Yes. What does it mean by hardwood and what does it mean by sapwood? See, in some older trees. This secondary xylem, just imagine this is the anatomy of an old tree. ठीक है, ये एक stem का portion है old tree का, काफी पुरानी tree का. And in some old tree, the centermost part where there is a secondary xylem is present becomes dark brown in color. This becomes dark brown in color. Why it becomes a dark brown in color? Just because due to the deposition of some organic substance like a tannin, resin and oils. काफी पुराने प्लांट में जो सेकेंडरी जाइलम का सेंटर पोर्शन होता है वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्युमुलेशन होने के कारण जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑयल, टेनिन्स, ठीक है, या तो रेजिन, ऐसे सब्सटेंस एक्युमुलेशन होने के कारण वो सेंटर का पूरा पोर्शन डार्क ब्राउन हो जाता है और वहां से कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती, कोई भी चीज आर पार नहीं जा सकती, मतलब वहां से वाटर मिनरल भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकते. ठीक है, तो ऐसे वुड को हम कहते हैं हार्डवुड. ऐसे वुड को हम कहते हैं हार्डवुड. दिस वुड्स आर कॉल्ड एज अ हार्डवुड. आई विल टेल यू दिस वुड्स आर रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट, दे आर रेजिस्टेंट टू द माइक्रोब्स, दे आर रेजिस्टेंट टू द मींस देयर ड्यूरेबिलिटी इज आल्सो मोर. ये जो वाले वुड होते हैं सेंटर वाले, ये वुड इनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, इनका इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं, माइक्रोब्स रेजिस्टेंट भी होते हैं, मतलब ये डिकम्पोजिशन में भी प्रॉपरली नहीं जाते और बेसिकली डिकेइंग में भी नहीं जाते. तो ये वाले होते हैं हार्डवुड. अब ये हार्डवुड के आसपास में जो सेंटर पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं सैपवुड बिकॉज इट इज लाइटर इन कलर एज कंपेयर टू द हार्डवुड. हार्डवुड के आसपास पूरे के पूरे सर्कल में कुछ ब्राइटर कलर, मतलब लाइट कलर का एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं सैपवुड. और सैपवुड में से वाटर और मिनरल कंडक्ट होते हैं. आप शायद समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, मैं आपको सेंटर फिर से बताता हूँ. ये पूरी एनाटॉमी के सेंटर पे जो सेकेंडरी जाइलम होते हैं, सेकेंडरी जाइलम कुछ प्लांट में टेनिन या तो ऑयल या तो फिर रेजिन ऐसे सब्सटेंस काफी एब्जॉर्ब होने के कारण ये वाला पूरा ऐसा ना डार्क ब्राउन हो जाता है और यहाँ से वाटर मिनरल कुछ भी कंडक्ट नहीं होता, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, माइक्रो से इन्फेक्शन नहीं होता, इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी हो जाता है. लेकिन उसके आसपास जो लाइटर कलर एरिया होता है उस लाइटर कलर एरिया को हम कहते हैं सैपवुड और ये सैपवुड में से वाटर और मिनरल इजिली कंडक्ट कर सकते हैं. तो ये है बेसिकली कोर्क, ये बेसिकली वॉस्कुलर कैम्बियम. अब हम देखते हैं कोर्क कैम्बियम. So guys, now I'm going to explain you what is meant by cork cambium and phallogem. Say simply, this was the plant. ठीक है. So continuation growth in the girth of a stem due to vascular cambium. आप NCERT में लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपको ऐसी चीज समझ में आ जाएगी. Continuation growth in the girth of a stem continues due to the vascular cambium. मतलब प्लांट के स्टेम की जो गर्थ है उसमें कंटिन्यूएशन ग्रोथ आती है. ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वॉस्कुलर कैम्बियम. लेकिन अगर कंटिन्यूएशन ग्रोथ आएगी तो यहाँ का जो एपिडर्मिस होगा वो एपिडर्मिस क्या होगा? एपिडर्मिस ब्रेक हो जाएगा. ये ब्रेक हो जाएगा. ये देखिए, कंटिन्यूएशन ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ अ स्टेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ वॉस्कुलर कैम्बियम इंक्रीजेस ग्रोथ एंड वन टाइम कम वेयर एपिडर्मिस बेसिकली गेट ब्रेक डाउन. एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा ये जो लेयर है वो ब्रेक जाएगा. मान लो हमारे पास इतनी जगह है और बीच में कोई एक वुड है जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर ही रहा है, तो जब यहाँ तक आएगा तो उसकी एपिडर्मिस जो होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। और अगर एपिडर्मिस ब्रेक हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपिडर्मिस को फिर से नया बनाना पड़ेगा, एपिडर्मिस को फिर से नया बनाना पड़ेगा। और एपिडर्मिस को नया बनाने के लिए हमें नए वस्कुलर कैम्बियम की जरूरत है, लेकिन हम उसे वस्कुलर कैम्बियम नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है एवरीवन? Continuation increase in the girth of a stem creates a breakdown in the epidermis, and due to the breakdown of epidermis, we have to form a new epidermis. We have to add the new cells, and when we wanted to add the new cells, when we wanted to form a new epidermis, we have to take the help of another cambium. So another cambium produced is called cork cambium. I tell you, cork cambium generally add the cells at the both the side, outside also, inside also, outside also, inside also. So when it add outer side, when it add cells outer side, yes, देखो कोर्क कैम्बियम को दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, फेलोजन। कोर्क कैम्बियम का ही दूसरा नाम है फेलोजन। जब आपको एमसीक्यू आएंगे उस वक्त मत बोलना कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया हो, मैंने आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। कोर्क कैम्बियम का ही दूसरा नाम है फेलोजन। जैसे वस्कुलर कैम्बियम का दूसरा कोई नाम नहीं था, वो वस्कुलर कैम्बियम ही थे। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम निकलता है उसे हम कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम। लेकिन ये है सेकंड, ये है कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम क्यों बनता है, जब एपिडर्मिस ब्रेकडाउन हो जाती है तो उसके लिए नए सेल्स बनाने पड़ते हैं। नए सेल्स बनाने के लिए हमें एक नया कैम्बियम की जरूरत होती है और उस कैम्बियम को कहते हैं कॉर्क कैम्बियम या तो फेलोजन। अब ये जो है वो दोनों तरफ सेल्स ऐड करते हैं, आउटसाइड ऑल्सो, इनसाइड ऑल्सो। Yes, it add both the side cells, outside also, inside also. Now, when it add outside the cell, it is called cork or also called phallum. When it add the cells outside, such kind of a meristem is called cork or phallum. And when it add the cells inside, जब ये बाहर की साइड मतलब एक होता है pith, जिसे हम कहेंगे इनसाइड, और एक होता है बाहर मतलब बाउंड्री साइड। तो ये जब बाहर की साइड जब सेल ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉर्क या तो फेलम, और जब ये अंदर की साइड ऐड करते हैं तब उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी कोर्टेक्स या तो उसे हम कहते हैं फेलोडर्म। क्या कहते हैं उसे? फेलोडर्म। क्लियर हो गया? ये देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, कॉर्क कैम्बियम और फेलोडर्म, इनका मतलब क्या होता है? ये वो वाले कैम्बियम है जो तब प्रोड्यूस होते हैं जब एपिडर्मिस ब्रेकडाउन हो जाती है, और एपिडर्मिस अगर ब्रेकडाउन हो जाती है तो हमें नए सेल्स ऐड करने पड़ते हैं, और जब हम नए सेल्स ऐड करते हैं तब हमें नए कैम्बियम की जरूरत पड़ती है, जो कि वस्कुलर कैम्बियम नहीं, जो कि नया कैम्बियम है। और उस कैम्बियम को हमने नाम दिया है, मतलब साइंटिस्टों ने नाम दिया है कॉर्क कैम्बियम, जिसका दूसरा नाम है फेलोजन। अब फेलोजन बाहर भी सेल्स ऐड करते हैं, मतलब पेरीफेरी पे भी सेल्स ऐड करते हैं, और बेसिकली सेंटर पे पिथ पे भी ये सेल्स ऐड करते हैं। जब ये पेरीफेरी पे सेल्स ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉर्क फेलम, और जब ये पिथ पे मतलब सेंटर की तरफ सेल्स ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कोर्टेक्स या तो उसे हम कहते हैं फेलोडर्म। एक चीज और समझ लीजिए आप, जो हमें एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, देखिए फेलोजन, ठीक है, फेलम एंड फेलोडर्म, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड पेरीडर्म, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड पेरीडर्म। और ये एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, तो शायद आगे चल के इसमें से कोई एमसीक्यू भी आ सकता है। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पेरीडर्म, ठीक है, तो या तो ऐसा पूछा गया पेरीडर्म इज कंटेनिंग, तो ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, इट कंटेनिंग फेलोजन, इट कंटेनिंग phallum, it contain phallodum, तो ऑब्वियसली आपको एक आंसर आएगा फोर्थ वन, इट कंटेन ऑल, फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म। सो ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ पेरीडर्म। सो दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम में मैंने आपको प्राइमरी ग्रोथ का मतलब बताया, मतलब स्टेम जब हाइट में बढ़ता है और रूट जब नीचे की तरफ बढ़ता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ये अपाइकल मेरिस्टेम से होता है, और इसमें से जो प्राइमरी जो मेरिस्टेम बनता है वो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या? प्लांट की गर्थ का बढ़ना, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए हमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की जरूरत पड़ती है। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तीन प्रकार के कैम्बियम से बनता है। एक बनता है कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम और बेसिकली लेटरल मेरिस्टेम। तो ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ इन दी स्टेम। प्राइमरी ग्रोथ का भी मतलब मैंने यही भी बता दिया, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब बता दिया मैंने आपको। हार्डवुड, सैपवुड ये भी बता दिया, स्प्रिंगवुड और ऑन्टमवुड ये भी मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया। और ये जो पार्ट्स हैं इनसाइड में सब इंटरनल पार्ट्स बनाएंगे और आउटसाइड में बार्क बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे, पूरा को पूरा प्लांट का पोर्शन यही बनाएंगे। गाइस, सेकेंडरी ग्रोथ इन बेसिकली डाइकोट रूट, मैं आपको बता दूं सेकेंडरी ग्रोथ जो डाइकोट रूट में होती है वो बेसिकली डाइकोट स्टेम के जैसी होती है। सिर्फ उसमें डिफरेंस यह होता है, यहाँ पे जैसे हमने प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम देखे, इसमें ऐसे डाइकोट रूट में नहीं होता है। डाइकोट रूट में जो कैम्बियम होती है वो डायरेक्टली ओरिजिनेट होती है सेकेंडरी फॉर्म में, तो उसमें प्राइमरी का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। सो इन केस ऑफ डाइकोट रूट generally cambium produce as a secondary cambium only, so there is nothing about the primary. And second thing, it is produced from the site where vascular bundle is located, like it is produced below the phloem, produced below the vascular bundle, it is produced below the phloem and it is produced below the vascular bundle, and then it forms a wavy ring, and rest of the thing is everything same like a dicot stem. ठीक है, so dicot stem में जैसे secondary growth होती है, डाइकोट रूट में भी ऐसी होती है। हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, सो एज यू नो दैट आई हैव फिनिश्ड कंप्लीट चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड CBSE, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यस, and as you know that after completion of chapter I used to take a small revision, तो मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम MCQ देखेंगे, फिर आपकी पूरी की पूरी चैप्टर की जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसमें से कैसे 2 से 3 MCQ जो पूछे जाने वाले वो पक्के कर लो आप, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दिस चैप्टर is based on internal structure of a plant. This structure is based on arrangement of a parenchyma, colenchyma, sclerenchyma, xylem, phloem, mesophyll, epidermal, meristematic tissue in the plant. We started with a concept called anatomy. Anatomy is nothing but the study of internal organization in the plant. Yes, we started first this topic with the help of a tissue. What is tissue? ग्रुप ऑफ अ सेल विच हैव अ कॉमन ओरिजिन। ध्यान से सुन लीजिए, इंट्रोडक्शन भी, सॉरी ये जो रिवीजन है वो भी काफी काम में आता है। भले शॉर्ट में मैं रिवीजन करवा रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्या होता है ये बेसिकली टिश्यू? टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ अ सेल विच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, इट्स कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप है जो सेम साइट से प्रोड्यूस होता है और उनका फंक्शन भी नियर बाय एक जैसा होता है, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। इन जनरली प्लांट्स, flowering plant I mean to say, tissues are divided into two category. First tissue is meristematic tissue which have a capacity of cell division, and second ones are the permanent tissue which have lost the capacity of cell division. Permanent tissues are further divided into two category, like simple permanent tissue, parenchyma, colenchyma, sclerenchyma, because parenchyma tissue have only group of a parenchyma cell, colenchyma tissue have only group of colenchyma tissue cell, and sclerenchyma tissue have only group of a sclerenchyma cells, and therefore they are called simple permanent tissue. Then complex permanent tissues are xylem and phloem, because xylem is made by 4 different variety of a cell, phloem is also made by 4 different variety of cell, and therefore we call them as a कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ सेल होते हैं, लाइक पेरेंकाइमा टिश्यू में सभी पेरेंकाइमा सेल है, कोलेंकाइमा टिश्यू में सब कोलेंकाइमा सेल्स है, और स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के अंदर सभी स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम है, क्योंकि जाइलम 4 अलग प्रकार के सेल से बना हुआ है और फ्लोएम 4 अलग प्रकार के सेल से बना हुआ है, इसके लिए हम इनको कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर the tissue which have ability of a cell division. Complete plant body needing whatever the cells, they are only produced from meristematic cell, and it is work just because of one special hormone called as a cytokinin. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है और साइटोकाइनिन हार्मोन की मदद से ये सेल डिवीजन करते हैं। और प्लांट में जितने भी पार्ट्स हैं, फिर वो रूट हो, स्टेम हो, ब्रांचेस हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, कोई भी हो, लीव्स हो, इन सभी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मदद से ही आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपाइकल मेरिस्टेम हो सकते हैं जो स्टेम और रूट में होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो सकते हैं, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम के भी टाइप होते हैं लाइक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम एंड फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम। ये तीनों एग्जाम्पल होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम के। इसके बाद में जो एमसीक्यू पढ़ाऊंगा उसमें आपको पूछा जाएगा, डेफिनेटली याद रखिएगा। फिर आपने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज अ ग्रुप ऑफ अ सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा एक सिंपल लिविंग ग्रुप ऑफ परमानेंट टिश्यू है जिनके अंदर इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस अवेलेबल होती है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो थीन होते हैं और ये बेसिकली सेल्यूलर से बने हुए हैं, इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, कोलन का इनका मेन काम होता है फूड मटेरियल स्टोर करना। इनके अंदर भी टाइप होते हैं लाइक क्लोरेन्काइमा विच डू द फोटोसिंथेसिस, देन यू कैन से एरेन्काइमा विच स्टोर द एयर जनरली इन द फ्लोटिंग प्लांट्स, एंड देन प्रोसेन्काइमा generally they prosenkaima basically gives the strength to the parenchyma. Then colenchyma, a group of a simple living permanent tissue which have a thick cell wall just because it is made by cellulose plus पैक्टिन। इनके अंदर सेल्यूलोस प्लस पैक्टिन भी होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, इसके लिए इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस इनके अंदर टोटली एब्सेंट होते हैं। कोलेनकाइमा, Colenchyma gives a main strength to the plant. It resists the pulling and bending effect due to the air force. So basically colenchyma function है। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में देखना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो पूरे, ये पूरा का पूरा डिटेल में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू, लिविंग एट द बर्थ एंड डेड एट मैच्योरिटी। वाई डेड? डेड सेल्स होते हैं इनको। Sclerenchyma generally produce two type of fiber. One is the sclerenchyma fiber, second one is the sclerite, which are also called stone cell. Sclerenchyma cell wall is a much thicker and it is showing tapering head and base. ऊपर और नीचे से दोनों साइड पॉइंटेड टेपरिंग होते हैं और ये लिग्निन से बने होते हैं, सेल्यूलोस और लिग्निन। लिग्निन ज़्यादा होता है, इसके कारण इनका जो सेल वॉल है वो थिक हो जाता है और प्रोटोप्लाज्म भी श्रिंक हो जाता है और सेंटर का जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है। तो मैच्योरिटी के बाद ये सेल है ना डायरेक्टली डेड हो जाते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। देन जाइलम एंड फ्लोएम, जनरली जाइलम इज मेड बाय द ट्रकीड वेसल, यस, एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। Then phloem is made by you can say sieve cells, sieve elements or sieve tube element, and then second one companion cells, and then phloem parenchyma, phloem sclerenchyma. Xylem का main function होता है conduction of water and mineral from root to the top, unidirectional. Phloem का main function होता है conduction of food and water from top to bottom. ये xylem और phloem के बारे में बताया मैंने आपको। उसके बाद हमने the tissue system देखा था। Tissue system was made by the you can say epidermal, which was like a stomata, stomatal pore at the center surrounded by the guard cells, and then guard cell was surrounded by the subsidiary cell or accessory cells. Concentration of potassium determine whether the stomata should open or close. Guard cell में अगर potassium बढ़ जाता है तो stomata open हो जाएंगे because endosmosis होगा, और गार्ड सेल्स में अगर पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, एक्सेसरी में बढ़ जाता है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमने देखा था हाइपोडर्मल, यू कैन से ग्राउंड मेरिस्टेम, जो जनरली पार्ट्स बनाते हैं लाइक एनाटॉमिकल पार्ट, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था, यस, थर्ड वन वॉज अ vascular tissue system, means arrangement of xylem and phloem, and that was called vascular bundle also. So vascular bundle हमने देखा था, radial vascular bundle, conjoint collateral closed, conjoint collateral open, bicollateral vascular bundle, and then concentric vascular bundle, leptocentric, heterocentric, ये सब देखा था हमने। आप देख लो, लेक वीडियो देख लो डिटेल में देखना हो तो। फिर उसके बाद हमने देखा एनाटॉमी, हमने देखा एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट। फिर हमने देखा एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम। फिर हमने देखा एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट लीफ, और उसके बाद हमने डिटेल में देखा सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद मैं ये रिवीजन आपके सामने ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस रिवीजन के बाद हम 50 MCQ सॉल्व करेंगे, एक भी MCQ मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये MCQ डायरेक्टली आपको MBBS के दरवाजे तक छोड़ेंगे। मैं आपको एक सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हाँ ये तो मुझे टॉपिक पता है, फिर ये पढ़ के क्या फायदा, सर जो पढ़ा रहे हैं शायद आपको जो पता है उससे कुछ बेटर मैं और आपको दे सकूँ, दो चीज़ें और एडिशनली आपको बता सकूँ। अगर वो एडिशनल चीज़ें भी आप कर लेते हो तो आपका तो बेस ऑलरेडी स्ट्रांग था ही, और दो चार पॉइंट एडिशनल आ गए। मान लो जो क्वेश्चन है वो मेरे एडिशनल पॉइंट से आ जाता है तो मुझे आप थैंक यू मत बोलिएगा, ठीक है, मुझे थैंक यू मत बोलिएगा, लेकिन आप उस टाइम को थैंक यू बोलेगा जो टाइम आपने एक्स्ट्रा मुझे दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अभी इतना प्राउड में फील मत करो कि मुझे ये सब पता है। जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आता है 650 700 मार्क्स का, जब तक आप MBBS पहुंचने तक के जितने मार्क्स लगते हैं उतने मार्क्स का आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आता है, तब तक इतना प्राउड फील मत करो, ठीक है। इस वक्त आपका ये काम है कि पूरा को पूरा पढ़ो, सब पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के तीनों सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ो, रटे मत मारो, अच्छी तरह समझो। कुछ टीचर होते हैं वो बोलते हैं रट लो रट लो रट लो बच्चों, सब चीज़ें रट लो, अरे कुछ नहीं होगा रटने से। अगर आप कोई एक्सप्रेशन चीज़ें जो होती है उनको रट लो, ठीक है, जैसे CPR है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, हार्ट से रिलेटेड, अगर आप उसे रट लोगे और कोई अगर किसी का हार्ट अटैक आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो उस वक्त, रटी हुई चीज़ें काम में आती है, कोई काम में नहीं आती। जब मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे कि वैसे पूरा चैप्टर समझ लीजिए और आखिरी में MCQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू। Hello dear all students, so now I am going to explain you 50 most expected and repeated MCQ for the NEET preparation. It is from the chapter number 6 anatomy of flowering plant from the 11th standard CBSE. So without any wasting any time let's begin with this MCQ. मैं आपको 50 MCQ explain करूंगा और इनका solutions भी बताते चलूंगा explain करते साथ, ठीक है। Let's start first number question. The parenchyma cells are, अब पेरेन्काइमा सेल्स कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था, पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, दे आर हैविंग अ थीन सेल वॉल, दे आर हैविंग अ थीन सेल वॉल एंड दे आर लिविंग एट द बर्थ एंड अप टू द एंड दे आर लिविंग। सो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है डेड, डेड तो ऑप्शन आता ही नहीं बिकॉज दे आर लिविंग सेल, एंड थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल भी नहीं, पेरेन्काइमा थीन सेल वॉल होते हैं, ये वाला आंसर है। जस्ट बिकॉज पेरेन्काइमा का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है तो इसके लिए उसके अंदर इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस भी हैं और ये थिक भी नहीं होता, थिन ही होता है। और फोर्थ है थिक वॉल एंड डेड, ऑब्वियसली मतलब ए और बी को मिक्स कर दिया उन्होंने यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाता है सी, थिन वॉल। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, टिश्यू आर, क्या कहते हैं हम, टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ अ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन, मीन सिमिलर इन ओरिजिन एंड सिमिलर इन फंक्शन, तो ये वाला तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर भी हम आगे पढ़ते हैं, group of organ which are similar in origin and function. How group of organ? Tissue is a group of cell. This is common. So B is the obviously wrong. C, cells which are similar in function but not in origin. नहीं, ये भी गलत है, दोनों similar होते हैं। Group of a cell which are not similar in origin but and function. मतलब वो ओरिजिन में भी सिमिलर नहीं है और ना तो फंक्शन में सिमिलर है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ए वाला एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है बिकॉज टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ अ सेल व्हिच आर सिमिलर इन ओरिजिन एज वेल एज फंक्शन, इनका प्रोडक्शन भी सेम साइड से होता है और इन सभी सेल्स का फंक्शन भी एक ही होता है, तो इसके लिए हम इनको कहते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। ए आंसर इसका, यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, plant tissue are divided into meristematic and permanent tissue on which of the following basis? So I have explained you already that plant tissues are classified on the basis of ability of cell division, whether they are able to prepare a new cells by cell division or whether they can't prepare cell division. On the basis of such property plant tissues are divided into meristematic and permanent tissue. मैंने आपको एक क्लियरली पढ़ाया होता है कि प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू ये कौन से कैटेगरी के बेस पे डिवाइड होते हैं, तो इनके अंदर ये सेल डिवीजन की कैपेसिटी है, तो ये मेरिस्टेमेटिक है और सेल डिवीजन की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये परमानेंट हो जाते हैं, जैसे सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो ये देखिए, वेदर द प्लांट इज डाइकोट और मोनोकोट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वेदर द सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, यस, उनके अंदर सेल डिवीजन है या नहीं वो। पोजीशन ओरिजिन, तो इसका आंसर हो जाता है बी, यस। क्वेश्चन नंबर 4, the axillary bud is constituted by the cells left behind from, तो axillary bud कैसे फॉर्म होते हैं? मैंने आपको कहा था axillary bud एक्साइल एरिया में से फॉर्म होता है, फिर वो अपाइकल हो, शूट अपाइकल हो या तो रूट अपाइकल हो, लेकिन उसमें मेन शूट अपाइकल होता है, क्योंकि एक्सिलरी बर्ड रूट में सोइल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट अपाइकल मेरिस्टेम नो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम नो, शूट अपाइकल मेरिस्टेम यस, लेटरल मेरिस्टेम नो। तो इसका आंसर शूट अपाइकल मेरिस्टेम होना चाहिए मेरे हिसाब से, यस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लेटरल मेरिस्टेम एक्सेप्ट, सभी के सभी लेटरल मेरिस्टेम है एक्सेप्ट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक में दैट एक्सेप्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऑल आर द you can say lateral meristem, like interfascicular meristem, fascicular, vascular cambium और cork cambium, so B, C, D ये तीनों के तीनों lateral meristem के type हैं, लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये लेटरल मेरिस्टेम का टाइप बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? ए, बिकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लेटरल मेरिस्टेम एक्सेप्ट, नीचे दिए गए हुए सभी में से 3 लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल है, सिर्फ एक नहीं है, और वो जो है नहीं है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ए इज द करेक्ट आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लेटरल मेरिस्टेम? इट गिव्स राइज टू द lateral branches, no. It increases the girth as well as length of the plant axis. Plant axis की length बढ़ाना है तो apical मेरिस्टेम का काम हो गया, ये lateral का नहीं है। It increases girth of the plant axis. Yes, plant की girth के increase करना, और जब plant की girth increase होती है तो उसके साथ क्या increase होता है? प्लांट के एन्यूलर रिंग, मतलब कैम्बियम रिंग बढ़ते हैं, और कैम्बियम रिंग बढ़ते हैं मतलब प्लांट की एज भी बढ़ती जाती है। It increases only length of the plant axis. No, इसका आंसर हम C select करेंगे। It increases girth of the plant axis. Yes. Question number 7. Colon kaimas differ from the parent kaima in. अब क्या है colon kaima के अंदर ऐसा जो उनको parent kaima से differentiate करता है? Possessing thick cell wall. ये तो बात सही है। Colon kaima cell wall is a thick cell wall because it is made by cellulose plus pectin. And parenchyma cell was a thin because it was only containing cellulose. Second option हम पढ़ लेते हैं बाकी के। Containing chloroplast usually, तो chloroplast तो दोनों में है, लेकिन protoplasm नहीं। Protoplasm सिर्फ sclerenchyma में नहीं होता, because वो dead cells होते हैं। Being meristematic, ये meristematic नहीं, इनके अंदर cell division की capacity नहीं। तो इसका आंसर मुझे लगता है possessing thick cell wall होना चाहिए। Yes, so A correct है, yes. Question number 8, which among the following are absent in the colonchyma? Colonchyma में इनमें से क्या absent है? Chloroplast, chloroplast is generally present. Vacuole, vacuoles are also present in colonchyma. Intercellular spaces, नहीं, इसका आंसर इंटरसेल्युलर स्पेसेस है। सेल्स के बीच में पैक्टिन डिपोजिशन नहीं, देखो इनके अंदर पैक्टिन डिपोजिशन, पैक्टिन डिपोजिशन तो है, पैक्टिन से बना हुआ है, वैक्यूल भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, लेकिन इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं है, एब्सेंट है ये। क्यों एब्सेंट है? बिकॉज इनके अंदर पैक्टिन डिपोजिशन है, पैक्टिन की क्वांटिटी काफी ज्यादा होने के कारण सेल की जो वॉल है वो काफी थिक बन जाती है, तो इसके लिए इंटरसेल्युलर स्पेसेस इनके अंदर नहीं पाए जाते। सो आई वुड से सी इज द करेक्ट आंसर, आई वुड रिकमेंड सी शुड बी द करेक्ट आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 9, The elongated thick wall and tapering cells. सबसे पहले तो elongated मतलब लंबे लंबे सेल, thick wall कौन होते हैं? Colonchyma भी होते हैं, Sclerenchyma भी होते हैं, मतलब Parenchyma तो नहीं होते हैं। तो इसमें जो A ऑप्शन है वो निकल गया, फिर Colonchymatous and Chlorenchymatous. Chlorenchymatous is a type of a Parenchyma, मतलब A और C ये दोनों के दोनों सरक गए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? सिर्फ B और D. Colonchymatous are also thick and sclerenchymatous are also thick. लेकिन जो कोलन का में होते हैं वो इतने एलोंगेटेड नहीं होते हैं। और टेपरिंग तो स्क्लेरेनकाइमा ही होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है स्क्लेरेनकाइमा। और अगर हम ये देखें कि थिक वॉल, तो थिक वॉल में कोलेनकाइमा के अंदर सेल्यूलोज और पैक्टिन है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के अंदर तो लिग्निन है, तो लिग्निन काफी ज्यादा मोटा बना देता है सेल वॉल को। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से डी आना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 10, sclerites are commonly found in sclerite stem and petiole of leaves, root में नहीं पाए जाते हैं, fruit walls of nuts and fleshy stem, correct है। तो इसका आंसर होता है fruit walls of nuts। ये fruit walls जो होते हैं, मतलब फ्रूट के वॉल्स होते हैं nuts के, तो उनके वॉल में पाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सी इसका आंसर सही होता है। देखते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वेसल इन फ्लावरिंग प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स में वेसल्स का फंक्शन क्या होता था? ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड, नो। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज परफॉर्म्ड बाय द फ्लोएम एंड फ्लोएम डज नॉट हैव अ वेसल्स, दे हैव अ ट्यूब, सी ट्यूब एंड यू कैन से कंपेनियन सेल्स। तो ये फ्लोएम का पार्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं। फोटोसिंथेसिस ये भी नहीं होता है। टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर से छुटकारा पा लेना, तो ये भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सी तो ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज हमें वेसल्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं। सो वेसल्स आर एंगेज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सैप वाटर प्लस मिनरल। तो डी आंसर हो जाता है इसका। यस, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? एंजियोस्पर्म लैक वेसल इन देयर जाइलम, नो, ये गलत है। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, करेक्ट है। मैंने आपको कल ये लिखा भी था और एक्सप्लेन भी किया हुआ था, मतलब लेक्चर में। तो द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, दिस इज द ट्रू। द सेल्स ऑफ वेसल्स आर लिविंग, नो। The vessel is a long cylindrical tube-like cells made up of many vessel members. तो इसका आंसर मैं कहूंगा बी है। Yes. Question number 13. Stomata are component of epidermal tissue system, conduction tissue system, ground tissue system and vascular tissue system. तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, स्टोमेटा आर बेसिकली फाउंड इन द एपिडर्मिस, सो दे आर जनरली एपिडर्मिस ऑफ द यू कैन से लीफ, और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं, तो इसके लिए ये एपिडर्मल टिश्यू के कंपोनेंट होते हैं। हमने डिस्कस किया हुआ था पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था टिश्यू सिस्टम, तो उसमें पहली जो टिश्यू सिस्टम थी वो थी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो स्टोमेटा उनके कंपोनेंट थे। अगर आप चाहो तो लेक्चर देख सकते हो उसमें। सो एक सही आंसर है इसका। यस, क्वेश्चन नंबर 14, रूट हेयर्स आर मल्टीसेल्युलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, यूनिसेल्युलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, असेल्युलर इलोंगेशन ऑफ सेल्स एपिडर्मल सेल्स, मल्टीसेल्युलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो इसका आंसर बी आता है, यूनिसेल्युलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। मतलब जो एपिडर्मिस है ना, वो यूनिसेल है, मतलब सिंगल सेल बने हुए, सिंगल लेयर है, लेकिन वहां से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम कहते हैं रूट हेयर्स। यस, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ओपन वास्कुलर बंडल इज कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम, कॉन्जॉइंट क्लोज एंड एंडोडर्मिस। तो इसका आंसर हो जाता है ए, बिकॉज मैंने आपको वास्कुलर बंडल मतलब वास्कुलर टिश्यू समझाया हुआ था, उसमें मैंने आपको कहा था presence of cambium is the characteristic features of what open type of vascular bundle, and those who have a open type of vascular bundle then always shows secondary growth। तो जिनके अंदर open type of vascular bundle होते हैं वो secondary growth दिखाते हैं, और secondary growth दिखाने के लिए cambium सबसे important है। तो A answer है इसका। Yes. Question number 16. Which type of arrangement of a vascular bundle occur in the root of monocot? Which type of arrangement of vascular bundle occur in the root of monocot? Conjoint open, radial, conjoint close and bicollateral। तो कॉन्जोनेंट ओपन तो ऑब्वियसली आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें जो रूट में होता है मोनोकोट में, वहां पे रेडियल वॉस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। रेडियल वॉस्कुलर बंडल नहीं। विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉस्कुलर बंडल ओकर इन द रूट ऑफ मोनोकोट? मोनोकोट रूट रेडियल आना चाहिए। बाइकोलेटरल में भी तो दो कैम्बियम आते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन में भी एक कैम्बियम आती है, कॉन्जॉइंट क्लोज, लेकिन कॉन्जॉइंट क्लोज में जाइलम और फ्लोएम एक डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, रेडियल में सर्कुलर में रेडियल पैटर्न में अरेंज। बी आंसर होना चाहिए इसका 99%। यस करेक्ट, 100% हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, पोलियार्च जाइलम बंडल आर फाउंड इन मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, सॉरी डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम। किस में पाए जाते हैं पोलियार्च? तो पोलियार्च रूट में पाए जाते हैं, लेकिन डाइकोट रूट जो होते हैं उनके अंदर डायआर्च या तो टेट्रार्च कंडीशन होती है। पोलियार्च कंडीशन मोनोकोट रूट में पाई जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 18, द कंजंक्टिव टिश्यू लाइज बिटवीन, कंजंक्टिव टिश्यू कहां पाए जाते हैं? कंजंक्टिव टिश्यू लाइज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। कंजंक्टिव टिश्यू बेसिकली लाइज बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स अब मोनोकोट रूट डिफर फ्रॉम द डाइकोट रूट? मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में इनमें से कौन सा फीचर डिफरेंस है? रेडियल वॉस्कुलर बंडल, कंजंक्टिव टिश्यू इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अ मोनोकोट रूट डिफर फ्रॉम डाइकोट रूट? लार्ज पीथ, सिंगल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस। देखो मोनोकोट जो होते हैं रूट, उनके अंदर है ना पिथ जो होता है वो काफी बड़ा होता है और डाइकोट रूट में काफी छोटा होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था डायग्राम ड्रॉ करके भी। सो पिथ लार्ज साइज इन मोनोकोट रूट एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट व्हिच हैव स्मॉल एंड नैरो। सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द सेंट्रल मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टेम ऑफ डाइकोटिलोडोनस प्लांट ऑक्यूपाइड बाय वॉस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल, पिथ एंड कॉर्टेक्स। ठीक है, हमें पूछा गया कि सेंट्रल मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टेम। अब सेंट्रल मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टेम क्या होता है डाइकोटिलेडोनस प्लांट का? ये तो बेसिकली पिथ रीजन होता है, क्योंकि वो सेंटर की बात कर रहे हैं, तो सी आंसर आ जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 21, द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम तो नहीं आएंगे। और ना ही ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का आएंगे, क्योंकि जाइलम फ्लोएम नहीं है। ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू, नहीं ये सिंपल भी नहीं, बिकॉज सिंपल में पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा होते हैं, कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम होते हैं, और ना ही ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम भी नहीं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है खुद, तो सी आंसर हो जाता है इसका। यस। क्वेश्चन नंबर 22, द फीचर्स विच इज कॉमन टू बोथ हार्टवुड एंड सैपवुड इज, बोथ आर रीजन्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम, बोथ आर इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। नो, हार्टवुड कभी भी वाटर और मिनरल कंडक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज उनका जो एरिया होता है वो डार्क ब्राउन होता है और पूरा ड्यूरेबल होता है, तो वो कंडक्ट नहीं कर सकता। बी तो रॉन्ग है। बोथ कंप्राइज डेड एलिमेंट विद एक्यूमुलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, नो, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेनिन, यू कैन से वैक्सेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें मतलब ज्यादातर होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते, तो सी भी ऑप्शन रॉन्ग है। बोथ आर लोकेटेड इन द सेंटर लेयर ऑफ द स्टेम, सेंटर लेयर सही है, लेकिन हार्टवुड सेंटर पे और उसके पेरीफेरी पे बेसिकली सैपवुड होता है, तो इसका आंसर मैं आपको कहूंगा डी और ए में कंफ्यूजन है, लेकिन ए सही है। बोथ आर रीजन्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में से बनते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो आप उस वीडियो में देख सकते हो क्लियरली, सेंटेंस वाइज मैंने कहा था बोथ दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेकेंडरी जाइलम, ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डाइकोट रूट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डाइकोट रूट? डाइकोट रूट से रिलेटेड इनमें से कौन सी चीज सही है? बोथ वॉस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ये वाला तो सही है। वॉस्कुलर कैम्बियम अराइजेस ड्यूरिंग प्राइमरी प्राइमरी जाइलम होगा. दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ जस्ट लाइक मोनोकोट रूट. नहीं, डाइकोट रूट में तो बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ होती है. कोर को कैम्बियम डेवलप ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ. नहीं, इसका आंसर हो जाता है ए. बोथ वस्कुलर एंड कोर को कैम्बियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. यस. क्वेश्चन नंबर 24. मेरिस्टेम इज कैरेक्टराइज्ड बाय. मेरिस्टेम इज कैरेक्टराइज्ड बाय isodiametric cells with a cellulosic thin wall. no. absence of isodiametric cell pairing काम में होते हैं. absence of intercellular spaces and vacuole. no. because मेरिस्टेम में जनरली parent काम में होते हैं तो वहां पे intercellular spaces अवेलेबल होंगे. absence of reserve food material and plastid. ये भी नहीं, प्लास्टिड भी होता है उनमें. एक मिनट, प्लास्ट D all of this. ये सभी के सभी आंसर उससे मैच करते हैं. आइसोडायमेट्रिक सेल्स इन आइसोडायमेट्रिक मेरिस्टेम पेराइम कामा से बने हुए तो वो भी सही. एब्सेंस ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड वैक्यूल ये भी सही है. तो इसका आंसर D कहूंगा मैं बोले. यस. क्वेश्चन नंबर 25. कोलेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल टिश्यू. करेक्ट है, बट इट इज नॉट इफिशियंट एज स्क्लेरेनकाइमा. However, it has certain advantage like. मतलब कोलेनकाइमा ये मैकेनिकल टिश्यू है और ये इफेक्टिवली अच्छा है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के कंपेयर में इतना अच्छा नहीं है. लेकिन फिर भी इसके कुछ फायदे हैं. तो क्या फायदे हैं? इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंट टू द ग्रोइंग ऑर्गन. इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंट टू द ग्रोइंग ऑर्गन. इट हैज नो सेल्यूलोज इन द सेल वॉल. इट इज फ्लेक्सिबल. देखो, नो सेल्यूलोज ये कोई फायदे नहीं हुए. इट इज अ फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल है तभी तो वो रेजिस्ट कर सकता है एयर के फोर्स को, बेंडिंग और पुलिंग इफेक्ट को. तो सी आप नोट करके रखो. इट इज अ पावर ऑफ ग्रोथ. इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंट टू द ग्रोइंग ऑर्गन एंड इट इज नॉट फ्लेक्सिबल. नहीं, इसका सी आंसर हो जाता है. यस, करेक्ट. So moving towards the question number 26. Which of the following vascular bundle are always open? Always open बोला है ना उन्होंने. Radial vascular bundle is not always open. Collateral vascular bundle may be closed or may be open. But bicollateral is always open. Why bicollateral is always open? Just because bicollateral have a two xylem, one phloem. Sorry, two phloem, one xylem and two cambium rings. So bicollateral is always open. Concentric is a closed type of vascular bundle because one xylem, one phloem, one phloem, one xylem. Either xylem surrounded by phloem or either phloem surrounded by xylem. So C is इसका आंसर सही हो जाता है. Yes. Question number 27. Specialized epidermal cells surrounding the guard cells are called. Specialized epidermal cells surrounding the guard cells are called lenticells, complementary, subsidiary cells and bulliform cells. So lenticell तो stem में पाए जाते हैं, complementary ऐसे cell नहीं होते हैं plant में. Subsidiary cell मतलब ऐसे हो गए भी तो generally हमारे known में नहीं है, मतलब syllabus wise. Subsidiary cell इसका आंसर सही हो जाता है. बुलीफॉर्म सेल्स तो मोनोकोट में मतलब ग्रासेस में पाए जाते हैं, जो वाटर को एब्सॉर्ब करके एंडोस्मोसिस और वाटर को बाहर फेंक के एक्सोस्मोसिस करते हैं. तो इसका आंसर सी हो जाता है, सब्सिडियरी. मैंने आपको डायग्राम में बताया भी था. यस. क्वेश्चन नंबर 28. वस्कुलर बंडल इन मोनोकोटिलोडोन आर कंसिडर्ड एज क्लोज बिकॉज जाइलम इज सराउंडेड all around by phloem. a bundle sheath surround each bundle. B answer मुझे लग रहा है. cambium is absent and there is no vessel with perforation. देखो B आंसर सही लग रहा है, लेकिन B से तो काफी बेहतर आंसर उन्होंने सी दिया है. कैम्बियम इज एब्सेंट. अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ का सवाल ही नहीं उठता, मतलब डायरेक्टली इसका आंसर सी आ जाता है. यस, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29. Hardwood differs from sapwood, being susceptible to pest and pathogen, presence of rays and fibers, absence of vessel and parenchyma, having dead and non-conducting elements. थोड़ा confusing है. देखो हार्टवुड सेंटर पे होता है जो डार्क ब्राउन कलर का होता है और उसके साइड में मतलब पेरीफेरी सर्कुलर में लाइट कलर का एक वुड होता है जिसे हम कहते हैं सैप वुड। लेकिन ये जो डार्क वुड होता है वो डेड होता है और नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं, मतलब उसमें जालम फ्लेम काम नहीं करते हैं। तो इसका आंसर डी परफेक्ट हो जाता है। यस यस। क्वेश्चन नंबर 30, क्लोज वोस्कुलर बंडल लैक। अभी क्लोज वोस्कुलर बंडल में क्या नहीं होता है? तो क्लोज वोस्कुलर बंडल में ऑब्वियसली कैम्बियम नहीं होता है। जैसे ओपन वोस्कुलर बंडल में क्या इंपॉर्टेंट होता है? कैम्बियम। तो क्लोज में क्या नहीं होता है? कैम्बियम नहीं होता है। और कैम्बियम ही डिसाइड करता है ना कि वोस्कुलर बंडल ओपन है या क्लोज है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो कैम्बियम सही है। पिथ, ग्राउंड टिश्यू, कंजंक्टिव टिश्यू आर रॉन्ग। ए इज करेक्ट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 31, as compared to the dicot root, monocot root has more abundant secondary xylem, many xylem bundle, inconspicuous annual rings, relatively thicker peridum। तो इनके अंदर देखो हमने ये देखा था डाइकोट रूट जो होते हैं उनके अंदर डायर्च या तो टेट्रार्च मतलब 2 से 4 जाइलम होते हैं, 2 से 4 जाइलम होते हैं। लेकिन जो मोनोकोट होते हैं उनके अंदर न्यूमरस होते हैं मतलब मेनी जाइलम बंडल्स विल बी द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था क्लियरली। आप जब अगर आप एनाटॉमी देखो मोनोकोट और डाइकोट रूट की तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने ओरली बताया भी था आपको। यस। क्वेश्चन नंबर 32, अ मेरिस्टेम may be defined as group of cells which aid to the bulk of the plant, conserve food, divide continuously to give rise to the new cells, elongate and aid the group of cells। Come on, देखो ये continuously एक तो divide होते हैं, divide continuously to give rise to the new cells। ये continuously divide होते हैं और डिवाइड होने के बाद नए नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और वो नए सेल्स ऑर्गन बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, टिश्यू और ऑर्गन बनाते हैं। तो एड टू द बल्क ऑफ द प्लांट नो, कंजर्व फूड नो, डिवाइड कंटिन्यूअसली टू गिव राइज टू न्यू सेल्स यस, बट वेट, इलोंगेट एंड एड द ग्रुप ऑफ सेल्स नो। इसका सी आंसर हो जाता है बिल्कुल। यस। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। इनमें से कौन सा मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है? प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, कॉर्ककैम्बियम। तो इसका आंसर मुझे पहले ही लग रहा था कॉर्ककैम्बियम होना चाहिए। प्रोकैम्बियम, प्रोटोकैम्बियम नहीं, कॉर्ककैम्बियम इसका आंसर हो जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 34, द टिश्यू नॉट हैविंग स्पेसिफिकली थिकन वॉल्स आर। ऐसे कौन से टिश्यू है जिनके अंदर थिकनेस नहीं है वॉल में? पेरेन्काइमा, यही आंसर। बिकॉज इनके वॉल सेल्यूलोज से बने हुए हैं और ये बेसिकली थीन सेल वॉल होते हैं, ठीक नहीं होते। हमारा पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। कोलेनकाइमा नो, फाइबर नो, स्क्लेराइट्स ये भी, तो स्क्लेरेनकाइमा भी है, स्क्लेरेनकाइमा। तो ए आंसर है इसका, ए पेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फॉर्म द मेन बल्क? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा। इनमें से कौन से टिश्यू सबसे मेन बल्क बनाते हैं, मेन बल्क बनाते हैं? सो इसका आंसर हो जाता है पेरेन्काइमा। बल्क बनाना मतलब फूड स्टोरेज करने वाले टिश्यू। तो इसका आंसर हो जाता है ए पेरेन्काइमा। यस। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लैश ऑफ द फ्रूट इज मोस्टली मेड अप ऑफ। फ्लैश, फ्लैश मतलब जो हम चीज खाते हैं, तो जनरली वो भी पेरेन्काइमा से ही बने होते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज पेरेन्काइमा ये फूड स्टोरेज करने वाले सेल्स हैं। कोलेनकाइमा रेजिस्ट करेंगे एयरफोर्स को, स्क्लेरेनकाइमा सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, मेरिस्टेम तो सेल डिवीजन करेंगे। इसका आंसर डेफिनेटली ए हो जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 37, स्क्लेरेनकाइमाटा सेल्स इन देयर सेल वॉल्स हैव, स्क्लेरेनकाइमाटा सेल्स इन देयर सेल वॉल हैव सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन एंड सिलिका। हमने ये पहली बार नहीं काफी बार डिस्कस किया हुआ है। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा, पैक्टिन इज प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा एंड लिग्निन इज प्रेजेंट इन you can say sclerenchyma। तो lignin इसका सही आंसर हो जाता है। Yes। Question number 38, vessel in xylem and companion cells in phloem is characteristic features of। तो किसके characteristic features हैं? Obviously angiosperm के। आप ऐसे भी गैस कर सकते हो कि हम flowering plant पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाली ऐसी गैसिंग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हम flowering plant पढ़ रहे हैं, शायद वो gymnosperm के बारे में पूछ ले। तो जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, रायोफाइट। इसका आंसर एंजियोस्पर्म आ जाता है, सी फ्लावरिंग प्लांट। यस। क्वेश्चन नंबर 39, मेन फंक्शन ऑफ द ट्रकीड इन प्लांट इज सैप कंडक्शन only mineral transportation, losses of excess water in night, translocation of organic solutes. तो इसका मेन काम है सेफ कंडक्शन करना. सेफ कंडीशन में वाटर और मिनरल मतलब होता है वाटर और मिनरल को साथ में कंडक्ट करना, इसे सेफ कंडक्शन कहते हैं. सेफ का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल, वाटर प्लस मिनरल. यस. क्वेश्चन नंबर 40. When xylem and phloems are in on a same radius, the vascular bundle are xylem phloem ये सेम रेडियस में होते हैं तो vascular bundle होता है conjoint. Yes, vascular bundle होता है एक मिनट when the xylem and phloems are on the same radius of the vascular bundle. एक मिनट same radius इन्होंने कहा है ना, same radius ऐसी radius, तो इसका आंसर हो जाता है radial vascular bundle. Same radius, radial vascular bundle. Yes. Question number 41. When the meristematic tissue cambium is present inside the vascular bundle is said to be conjoint, open, close, collateral. Open vascular bundle because cambium present है तो उसे हम क्या कहेंगे, open vascular bundle. B. 42. The vascular bundle in which phloem is in the both side of the xylem and separated from the by strip of cambium is said to be collateral, bicollateral, concentric and बायकोलेटरल क्लोज. तो ये होता है बायकोलेटरल ओपन बिकॉज यहाँ पे उन्होंने कैम्बियम के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है ना, तो कैम्बियम है तो ओपन हो जाएगा बी. 43 नंबर. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वास्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट. वास्कुलर बंडल जो होते हैं मोनोकोट के अंदर उनका कैरेक्टर्स क्या है. क्लोज एंड नॉट सराउंडेड बाय बंडल शीट. Close and surrounded by bundle sheath. Yes, bundle sheath surrounded है उनके अंदर. Open and surrounded by sclerent cametous. Open तो नहीं होता मोनोकोट में. And open and not surrounded by bundle. Open तो होता ही नहीं और close होता है लेकिन surrounded by bundle sheath, तो इसका आंसर B हो जाता है. Question number 44. The dicot root is identified by the presence of exarch xylem, 2 to 4 radial vascular bundle, 6 radial vascular bundle. And absence of absence of pith and endodermis. तो इसका आंसर हो जाता है absence of pith and endodermis because presence of, एक मिनट हमें presence of पूछा गया ना, तो 2 to 6 radial vascular bundle, यहाँ पे हम 2 to 4 vascular bundle भी कहते हैं तो भी सही होता है क्योंकि कुछ बुक्स में जैसे स्टेट बोर्ड में 2 to 6 दिया होता है डायर्च और हेक्सार्च कंडीशन, लेकिन एनसीईआरटी में 2 to 4 दिया हुआ है डायर्च और टेट्रार्च कंडीशन. बी आंसर इसका. यस. क्वेश्चन नंबर 45. द हाइपोडर्मिस प्रेजेंट इन द मेज स्टेम इज. मेज स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस जो प्रेजेंट होता है वो किससे बना होता है. सो मेज के स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरन कैमेरा से बना होता है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा था हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम इज मेड बाय द कोलन काइमा बट हाइपोडर्मिस इन मोनोकोट इज मेड बाय स्क्लेरन काइमा, या मैंने आपको लिख के भी दिया था लेक्चर में. क्वेश्चन नंबर 46. डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाइट ऑफ द ट्री, डायमीटर ऑफ द ट्री, एज ऑफ द ट्री विद द हेल्प ऑफ एनुअल रिंग्स एंड काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस. अब बताइए 46 का मतलब होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ काउंटिंग द एज ऑफ अ ट्री विद द हेल्प ऑफ एन्युलर रिंग्स विद द हेल्प ऑफ यू कैन से कैम्बियम रिंग, तो सी आंसर इसका. यस. एन्युअल रिंग्स एंड ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फंक्शन फ्लक्चुएशन इन द एक्टिविटी ऑफ xylem phloem एंड कैम्बियम. तो किसकी एक्टिविटी के कारण ऐसा होता है, तो ये बेसिकली कैम्बियम के कारण होता है बिकॉज हमें सेकेंडरी ग्रोथ या तो ये जो एन्युलर रिंग है उसके बारे में देखना है. तो एन्युलर रिंग तो सेकेंडरी ग्रोथ ही प्रोड्यूस करती है, सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम के बिना पॉसिबल नहीं, तो डी आंसर हो जाता है इसका. 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ऑर्गेनिक फूड मूवमेंट अपवर्ड बाय फ्लोएम, ऑर्गेनिक फूड मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बाय फ्लोएम, ऑर्गेनिक फूड मूवमेंट अप एंड डाउन बाय जाइलम एंड ऑल ऑफ अबाउट. तो इसका आंसर मुझे लगता है बी होना चाहिए. ऑर्गेनिक फूड मूवमेंट अप एंड डाउन बाय फ्लोएम बिकॉज मैंने आपको कहा था फ्लोएम इज अ बाय डायरेक्शनल. यस. क्वेश्चन नंबर 49. द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम इन जिम्नोस्पर्म इज. तो जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो वो तो होते हैं ट्रैकिड्स. Question number 50, last. Parenchyma is a simple permanent tissue, complex permanent tissue, meristematic tissue, none of above. तो parenchyma तो simple permanent tissue आते हैं, ठीक है. So thank you so much guys for watching this video. Have a nice day.